श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशि हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट युग्म सुमति रघुनाथ दास श्री जीव विकृत मंद मतिर दयानुगरा समाधि देवं करुणानिदानं कमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जन प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहका तर आजु भाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान त्वस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरे समाधिदेवं करुणानिदानं कमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहि भागवतं स्वरूपं जन प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आजु भाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तुस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी पर हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरिद्वार आप लोग बोलो मैं सुनूंगा बोलो हरे कुछ कुछ माताओं का मुंह नहीं खुल रहा है और एक बार तीन बार बोलनी चाहिए जोर से बोले से वृंदावन बिहारी लाल की सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद श्रोतर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री ल नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा में, जब श्री नारद जी आ करके श्री व्यास देव को बताए, बोले व्यास अगर जीवन में शांति और सुख पाना चाहते हो ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना करो, भागवत ग्रंथ से ही तुमको शांति और सुख मिलेगा, जिसमें किसी देवा देवी की बात नहीं, जिसमें भगवान श्री बांके बिहारी और उनकी शुद्ध भक्तों को कथाओं को तुम भागवत में तुम लिखो। तब श्री व्यास देव जी बोले भक्ति जोगे न सम्यक प्रणहीत मले अपस्यम पुरुषम पूर्णं माया च तत् अपाश्रयम्। जब श्री व्यास देव श्री भक्ति योग समाधि को द्वारा समाधिस्थ हुए
संपूर्ण गोलोक वृंदावन का दर्शन किया। कैसे श्री राधा रानी को साथ में कृष्ण कल्प वृक्षों को नीचे खड़े हुए ललिता विशाखा चंपकलता समस्त सखियों के द्वारा परिवेष्टित है, और कैसे कृष्ण सखाओं के साथ में कैसे गैया चराते हैं, कैसे रास रचाते हैं, भगवान के संपूर्ण लीलाओं को उन्होंने दर्शन की। और क्या देखा उनको पीछे कैसे जो जीव भगवान को भूल करके ठाकुर जी को सेवा को छोड़ करके ये संसार का विषय को भोग करना चाहता है, माया कैसे उसको ऊपर में कोड़े को ऊपर में कोड़े मारना है। लेकिन वो जीव जितने हैं जितने माया कोड़े क्यों नहीं मारे, वो उतना ही माया से चिपकते हुए जा रहा है। देखा भैया जीव का ऐसे कल्याण नहीं होगा जब तक जीव भगवान की भक्ति नहीं करेगा। तब उन्होंने सब कुछ उन्होंने दर्शन करते हुए उन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना की। बोले ग्रंथ तो बड़े सुंदर बन गया, लेकिन ये ग्रंथ पढ़ाए किसी को? लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी वो तो जन्म से ही ब्रह्म ज्ञानी बन करके चले गए। श्री व्यास देव के चार चेले थे। बोले देखो चलो, मेरा एक तोता था कहीं उड़ते हुए चला गया, वो तोते को पकड़ करके ला सकते हो? बोले गुरु जी जंगल में बहुत सारे तोते, हमें क्या पता आपका तोता कौन सा है? बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, मैं तुम चारों को चार मंत्र पढ़ा देता हूँ, ये मंत्र सुन करके जो अपने आप पकड़ में आएगा समझना वही तोता मेरी तोता है। उन्होंने पहला चेले को सिखाए, बोले बरहा पीड़म नटवर बपुहो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वास कनक कपिशयम वैजयंती चमालम रंध्रान वेणुरधर सुधया पुरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्ताद गीत कीर्ति। तात्पर्य यह है हमारे जो बांके बिहारी कितने सुंदर हैं, इसलिए कहते हैं ना बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा। Oh,
उसकी वर्णना की, पहले श्री सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म ज्ञानी थे, मतलब है भगवान को वो निराकार मानते थे, उनकी रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं, वो निराकार मानते थे। लेकिन ये हमारे बांके बिहार के बड़े सुंदर है। जब उन्होंने कृष्ण की सुंदरता को उन्होंने देखे, इतने में सुखदेव गोस्वामी अपना ब्रह्म ध्यान को उन्होंने परित्याग किया करके निकल करके आ गए। बोले भैया तुमको ये श्लोक सिखाया किसने? बोले मेरे गुरुजी ने कहा, मेरे कहिए कि तोता उड़ते हुए चला गया, वो तोते को पकड़ करके लायाओ। मैंने कहा वो तोता कैसे, आप मेरे को बताओ पहले। बोले गुरुजी ने बताया, जो तोता ये श्लोक को सुन करके अपनी आप पकड़ में आ जाए, समझना वही तोता। बोले भैया मैं तो वही तोता हूँ, मैं तो वही सुखदेव गोस्वामी। बोले वो देखने में तो बड़े सुंदर है, लेकिन वो रहते हैं कहाँ पर? उसका जो दूसरा चेला ने बताए, बोले जयति तधिका जन्मना प्रजा वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। हाँ, बीच में जो बाबा खड़े हुए, क्या नाम? बीपी, एक काम करना, जो बीच में जो बाबा खड़े, जो बीच में जो बाबा खड़े हैं उनको बोलो कोई आए तो अंदर में आने मत दिया। बाबा जो आते हैं ना, अभी बोलो बैठो, जब कीर्तन होगा जो कुछ लाए हैं उसी समय ला करके चढ़ा देंगे जब कीर्तन होएगी। लेकिन कथा को बीच में जैसे कोई अंदर में नहीं आ पाए, कीर्तन होगी उसी समय जो कुछ लाना, जो लाए हो ला करके दे देना। बताएं आप लोग कोई अंदर में नहीं आना, जो आ रहे हो पीछे से बैठने, ठीक है? फिर कथा में फिर विघ्न आती है। सब चले जाओ पीछे, चले जाओ। बिपिन, बिपिन पीछे खड़े हो जाओ, किसी को भी आने मत दिया कर। जो जो कुछ लाते हैं नहीं तो तुम्हें दे देना, तुम ला करके दे देना। कोई बीच में खड़े होकर के इधर नहीं आए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। हाँ बैठ जाओ सबके सब। जब उन्होंने पूछा भैया वो रहते हैं कहाँ पर, दूसरे चेला ने बताए वो रहते हैं वृंदावन में। एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे आप अपना बेटी को कहीं शादी देना चाहते हो, आप सबसे पहले क्या देखोगे? जिस बेटे से आप बेटी को शादी दोगे वो बेटा देखने में कैसे, भले ही और कुछ चीज मत देखा करो, देखोगे भैया वो लड़का देखने में कैसे। अगर लड़का अगर सुंदर हो ना, बोले भैया उसका पर्सनालिटी बड़ी सुंदर है, भले ही और कोई चीज को मत देखा करो, सबसे पहले इसकी सुंदरता देखोगे। बताओ कृष्ण जैसे जगत में और कोई सुंदर है?
इसलिए कभी कभी गोपियां कृष्ण को ताना मारती है, बोले नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कटे जाती करोड़ों ने की। कहते अच्छा हुआ परमात्मा ने तेरे को लाली नहीं बना करके लाला बना दिया, तू इतने सुंदर, अगर तू लाली होता है ना सारा दुनिया तेरे को पाने के लिए जितने क्षत्रिय आपस में युद्ध करके सबके सब खत्म हो जाते। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कोटि कंदर्प कमनीय विशेष स्वभाव, करोड़ों काम देव को भी इनके रूप उनको हराने वाले, इसलिए इनका एक नाम है मदन मोहन, जो काम देव को भी जिन्होंने मोहित किया है। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, इतने सुंदर है। अभी देखा बेटा देखने में बड़े सुंदर है, उसको बाद में क्या देखो, जब हम बेटी को शादी देंगे ऐसे। इसलिए दूसरे चेला ने बताया, बोले काम था जानते हो कितने पैसा वाला, कहते वृंदावन में रहते हैं माँ लक्ष्मी जिनकी चरण की सेवा करती है माँ लक्ष्मी, कहते जो वृंदावन धाम चिंतामणि वहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष वहाँ के पानी अमृत, कोई अगर चलता है ना लगता है जैसे बड़े सुंदर नाच रहा है, कोई अगर बोलता है लगता है बड़े सुंदर कोई भजन गा रहे हैं, वो दिव्य धाम श्री वृंदावन धाम है। बोले श्री वृंदावन धाम की माता जी इधर आती ना बच्चों को चुप कर बैठा कर उनको इधर किसको आने मत दिया। इसलिए कहते कितने सुंदर श्री वृंदावन धाम, भैया अगर बेटी को अब शादी कराओगे ना वो एकदम ठाड़ बाड़ में रहेंगे, ये इधर गेट को किसको आने मत दिया करो, किसी को भी आने मत। इसलिए बोले भैया खाने पीने का भी चिंता नहीं, खूब माला माल। फिर तीसरा प्रश्न किया तीसरा चेले ने, बोले देखने में सुंदर घर में पैसा की कमी नहीं, तीसरे चीज वो प्रश्न करते हैं उनकी परिवार कैसे, ऐसे नहीं सास बड़े लड़ाकू और ससुर बड़े झगड़ा करने वाले हो और जो जेठ है बड़ा क्रोधी, तो हो बताओ उसकी परिवार कैसे। इतने में तीसरे चेला ने बताए, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंद, तेरे को विपिन तेरे को पिछले किसले बना क्या, तेरे को पीछे जाओ, वो बाबा कहाँ गए, बाबा जी आप यहाँ बताया करो, आप वहीं पर खड़े रहना, किसी को यहाँ आने मत दिया करना, ये आपका ड्यूटी है, किसी माताओं का आने नहीं देना, बोले जो आ रहे हो पीछे बैठे ठीक है। इसलिए जो तीसरे जो चेला था है, बोले उसको जो पिताजी का नाम है नंद, नंद मतलब क्या है, सबको जो आनंद प्रदान करते हैं। कहते मैया का नाम क्या, बोले यशोदा, बोले यशोदा मतलब क्या है, सबको जो जस प्रदान करते हैं। बोले भैया का नाम क्या है, बोले दाऊ दयाल, दाऊ दयाल, उसकी जेठ भी बड़े दयालु बड़े कृपालु है। बोले भैया बड़ा सुंदर है, हाँ परिवार भी बड़े सुंदर है, हाँ ध्यान देकर सुनो यहाँ पर किस चीज को समझाना चाह रहे हैं। कहते अगर भक्ति करना है ना केवल कृष्ण को ही भक्ति करो और इधर उधर को भक्ति नहीं करनी चाहिए, मना करते हैं, हैं? इसलिए चौथा प्रश्न किया है, बोले देखने में भी सुंदर हो, घर में पैसा की भी कमी नहीं हो, परिवार भी सुंदर हो, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है उसका नेचर कैसे, उसका नेचर कैसे, ऐसे नहीं बात बात में क्रोध आए डंडे लेकर के पत्नी को पिटाई करना शुरू करे और दिन भर माल पी करके पड़े रहे, जुआ खेले हैं सिगरेट फूंके और दारू पिए भांग फाकर दिन भर मस्त, ऐसे तो नहीं उसका नेचर कैसे है। इतने में जो चौथा चेला था ना उसने चौथा श्लोक को बोल दिए, बोले क्या, बोले बोले अहो बकियम स्तन काल कूटम जिज्ञासया असाधि लेवे गतिम धातुचितम गतोर्नम कम्बा दयालु शरणम ब्रजे। बोले उसका नेचर इतने अच्छे नेचर है जैसे पुतना, जब पुतना गई थी कृष्ण को मारने के लिए स्तन में कालकूट जहर लेकर गई थी बीस लेकर के, बोले वो थी कौन, बोले पूतना मतलब
अपवित्र जो पवित्र नहीं, उसका काम क्या था? बोले बच्चों को मारना। ठाकुर के लिए क्या लेकर गए थे? बोले जहर। सारे अपगुण उनके अंदर में, एक भी कोई गुण पुतना को अंदर में नहीं थी। लेकिन हमारे जो बांके बिहारी है ना, बोले गुना अब गुना प्रभु देखा ओ नकाम। ठाकुर जी किसी अवगुण के प्रति नजर नहीं देते हैं। उसने जो नाटक केवल की थी, बोले इतने सुंदर लाला को थोड़ी पल्ले में झूला कर सुला कर रखते हैं, उसको तो गोद में लेकर के प्यार देनी चाहिए। बस इतना केवल नाटक की। लेकिन ये हमारे कन्हैया इतने दयालु, उसको उन्होंने कहाँ भेज दिया? बोले उसको गोलोक वृंदावन भेज दिया है, उसकी मैया की पद प्रदान कर दी कृष्ण, इतने दयालु। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भैया भक्ति करना तो केवल श्री कृष्ण भक्ति करो। बोले क्यों? बोले तुम्हारे अंदर में जितने अपगुण क्यों नहीं, वो नहीं देखेगा। जैसे कि माँ, आप देखना बच्चा जब मैया की गोद में टाटी पेशाब करता है, मैया बच्चे को फेंक देती है ना, साफ कर लेती है, साफ करके उसको प्यार देती है। उसी तरह जो कृष्ण है ना, ये हमारी माँ है। कहते ना तुमैव माता च पिता तुमैव तुमैव बंधुश्च सखा तुमैव, वो हमारी माँ है, वो हमारे पिता है। हमारे अवगुण का प्रति उनकी नजर नहीं देते हैं कभी कृष्ण। लेकिन ध्यान देकर सुनो, अगर किसी दूसरे देवा देवी को तुमने पूजा की, थोड़ी सी अगर पान से चून निकल गया, थोड़ी सी कोई गड़बड़ी हो गई ना, तुमको खैर नहीं, रख्या नहीं। रावण ने किसको पूजा करता था? 10 बार सर काट कर शंकर जी को दे दिया था, लेकिन लंका जल के ध्वंस हो गई। माता देवी को कितने कितने पूजा की, बड़े बड़े राक्षस लोग, बड़े बड़े तपस्या की, ब्रह्मा जी को भी, लेकिन थोड़ी सी इधर उधर हुआ तो खत्म पूरा के पूरा। लेकिन जो केवल प्रभु राम की शरण में, कृष्ण की शरण में आए ना, आप कहीं भी नहीं देखोगे जो कृष्ण और राम को पूजा करने वाले की कभी विनाश हुआ, कभी नहीं देखोगे। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो जो मेरे शरण में आए। भगवान राम सप्त समुद्र को साखी करके कहते हैं, जब विभीषण लंका छोड़ करके आए, प्रभु राम की शरण में आ गए, कोई भी राज्य नहीं हो रहे थे, इसको आश्रय दो, कोई भी राज्य नहीं हो रहे थे। बोले नहीं प्रभु जी, आपका शत्रु का एक छोटा भाई, पता नहीं इनको समझना बड़ा कठिन है, कौन सा उद्देश्य को ये लेकर के आते हैं, पीछे से छुरा भूसा भूसते नहीं देंगे। लेकिन भगवान राम क्या बोले? बोले अगर मेरे शरण में एक बार कोई आ जाए, एक बार बोल दे प्रभु मैं तेरा तू और मेरे, इतना कोई बोल दे। भगवान कहते अभयम सर्वदा तस्मयी ददाम यतत व्रतम मम। ये भाई व्रत है, उसको हर समय में अभय प्रदान करता हूं। अभी रावण को मारे ही नहीं, मारने से पहले उन्होंने विभीषण को राज तिलक लगा दिए, बोले आज से लंका पदक तू तेरे को प्राप्त होगा। यहाँ पर कहते अगर कृष्ण राम को जो भक्ति करते हैं ना, इनकी कभी विनाश नहीं होता है। जब इतना श्री सुखदेव गोस्वामी सुने, उन्होंने तो हाथ उठा करके बोले कम बा दयालु शरणम ब्रजे मा, ऐसे कृष्ण को छोड़ करके और हम किसको भजन करें। वहीं से उन्होंने दौड़ लगाई वहीं से, और पूरी की पूरी उन्होंने भागवत कथा सुनाए। इसलिए कहते भागवत ग्रंथ का जो वक्ता है ना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, परम ब्रह्म ज्ञानी अकुमार ब्रह्मचारी, जो 16 साल तक जो मातृगर्भ में जो निवास किया, परम मुक्त श्री सुखदेव गोस्वामी। बोले श्री सुखदेव महाराज की। बोले ग्रंथ का श्रोता कौन है? बोले भैया वक्ता जितने बड़े, भागवत का जो श्रोता है ना, वो भी कम नहीं। जिन्होंने मातृगर्भ में रहते समय जब इसी अस्वस्थ माँ ने उनको मारने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया, इतने में उत्तरा ने दौड़ दौड़ करके आई और कृष्ण को चरण में गिर गई। बोले प्रभु मैं मर जाऊं कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरे पेट में पांडवों का धरोहर रूप में जो अंतिम संतान अगर मर गया तो हमारी वंश ध्वंस हो जाएगी, मेरे बच्चे को आप रक्षा करो। उसी समय ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश किया है उत्तरा की, और उनने चक्र गदा घुमा 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 कर उन्होंने
ब्रह्मास्त्र को निस्तेज की और वो बच्चा गर्भ में ठाकुर जी को दर्शन किया था। जब उसने जन्म हुआ प्रभु को देख रहा था हाथ फाड़ फाड़ करके, जिस प्रभु को मैंने गर्भ में दर्शन किया प्रभु कहाँ है, वो सबको परीक्षा कर रहे थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया श्री परीक्षित महाराज। बोले श्री परीक्षित महाराज की। इसलिए भागवत का श्रोता जितना बड़ा वक्ता भी उतना बड़ा वक्ता भी है। इसलिए जिस समय कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयारी होते थे, किसी तरह से पांडव लोग जाने नहीं दे रहे थे। एक दिन मैया कुंती कृष्ण को बड़ी स्तुति कर रही थी। कृष्ण बोले बुआ जी तू तो आज उल्टा गंगा बहा रहे हो, मैं तो भातीजा तुम्हें तो बुआ जी, कहा मुझे तुम्हें प्रणाम करनी चाहिए लेकिन तू उल्टा मेरे को प्रणाम कर रहे हो। बोले कन्हैया यही तो तेरी माया है, किसको बुआ किसको भैया किसको मैया तुमने बना दी, लेकिन तू है कौन, विश्व ब्रह्मांड का मालिक हो, तेरे माया पे तो बड़े बड़े व्यक्ति भी मोहित हो जाते हैं। एक दिन ब्रज में तुमने मक्खन चोरी की, मटकी फोड़ी, इतने में मैया ने जा करके तेरे को पकड़ ली और एक हाथ में डंडा और एक हाथ में पकड़ करके रखी। बोले बस सच सच बता ये मक्खन ये मटकी किसने फोड़ी। कृष्ण बोले मैंने थोड़ी फोड़ी, तुमने जो प्यार में इतने मोटी मोटी कौड़ूले पहन करके रखी हो, जब तेजी से जा रही थी दूध उतर रही थी रक्षा करने के लिए, वो कौड़ूले से लग करके मटकी फूट गई। बोले क्या मटकी तैने फड़ी और मेरे नाम कह रहे हो। बोले बताओ ये बंदर को किसने मक्खन मिश्री दिया। बोले जिसने बनाया उसने दिया। बोले तो बहुत बदमाशी हो गया, बोले तो बड़ा चोर हो गया। लेकिन कृष्ण बचपन से सुना था उनके एक मामा जी का नाम चोर गोप। बोले मैं चोर, मैं नंद बाबा राजा का बेटा साहूकार का बेटा, तेरे घर में कोई चोर गोप होगा, मेरे घर में कोई चोर नहीं। बोले इतनी बड़ी बड़ी बात कहां से बोल रहा है, हैं? इतने में मैया बोली आज तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं, बांध करके रखूंगी। बोले उसी समय में कृष्ण है मुहूर् श्वास कम पत्रांत कंठ स्थित ग्रैव दामो धर भक्ति वधम। उसी समय कृष्ण शिक्षा शिक्षा कर रो रहे थे। मैया जो मोटी मोटी काजल लगा कर रखी थी, कृष्ण दोनों हाथ से मसल रहे थे, काजल मिश्रित तो अश्रु प्रवाहित तो हो रहा था, कृष्ण थर 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 कांप रहे थे। बोले मैया पहले ये डंडे को तू फेंक दे। बोले आज तेरे को थोड़ी मारूंगी, तेरे को आज मैं पूजूंगी। अब देखना कभी कभी माताएं बच्चों को पूजा करती है कैसे, डंडे से पूजा करती है ना। बोले तेरे को थोड़ी मारूंगी, आज तो तेरे को मैं पूजूंगी। इसलिए कुंती कहती मैं वहीं पर था, मैं देख रहा था काल भी जिसकी डर से थर 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 कांपते हैं, आज वो काल का जो काल है मैया जसोदा की डर से थर 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 कांप रही थी। बोले कन्हैया तेरी माया को समझना बड़ा कठिन है। कृष्ण बोले ठीक है बुआ जी, जब आज तू उल्टा गंगा बहा रही हो, आज भातीजापन को मैंने त्याग दे दिया, आज मेरे से जो कुछ मांगना झोली फैला करके मांग ले। इतने में कुंती मैया कहती हैं, बोले विपति संत में साक्षात तत्र तत्र जगत गुरु। बोले हे प्रभु अगर मेरे को देना चाहते हो मेरे झोली में विपत्ति भर दो। बोले बुआ जी सारा दुनिया कहते हैं सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन की जय जगदीश रहे। दुनिया कहते हैं मेरे को संपत्ति तो तू विपत्ति क्यों मांग रहे हो। बोले कन्हैया कहते दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई, और जो सुख में जो सुमिरन करे दुख काहे को आए। बोले वो सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बलिहारी वो दुख को जो पल पल नाम जपाए। इसलिए कन्हैया दुख में ही तेरा स्मरण आता है, सुख में स्मरण नहीं करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। देखना ज्यादा जिसको पैसा वाले लोग है ना ये कथा में नहीं बैठे, देखना बैठेंगे नहीं, उनका स्थान तो जहाँ जुआ शराबी खराबी स्थान में बैठ रही है, कथा में नहीं आएंगे। इसलिए मैया कुंती खुद कहती हैं, बोले जिसको पास में चार चीज होगा कन्हैया वो तेरे भजन नहीं करेगा। बोले क्या है, बोले बहुत कोई उच्च कुल में जन्म हो जाएगा, बड़ा अभिमान हो जाती है। अगर जिसको पास में थोड़ा ज्यादा पैसा आ जाए वो तो तेरा भक्ति नहीं करेगा। बोले भक्ति भक्ति क्यों करे, किस चीज की कमी है, हैं? और जिसको थोड़ी सी चमड़ा थोड़ी सुंदर हो जाए हीरो हीरोइन वो तो भक्ति करेंगे नहीं, और जिसको थोड़ी सी ज्यादा लिखाई पढ़ाई हो जाए। इसलिए कन्हैया ये चार तरह का व्यक्ति तेरे भक्ति नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई भक्ति करता है
जिसको आज पैसा है, सुंदरता है, ज्ञान है, अगर भक्ति करता है तो क्या समझो, ठाकुर जी की बड़ी कृपा उसके ऊपर, ठाकुर जी की बड़ी कृपा उसके ऊपर में। इसलिए कन्हैया मेरे झोली में विपत्ति भर दो। देखो एक चीज को समझो, इसका मतलब क्या है, जो भगवान की भक्ति करे क्या उसको घर में विपत्ति आए? समझ रहे कि नहीं? आप बोलोगे ना भगवान के पास में विपत्ति मांग रही है, क्या भक्तों घर में विपत्ति आए? बोले नहीं, ऐसे मतलब नहीं। देखो इसका मतलब है, जैसे तुम्हारी पड़ोसी को साथ में तुम्हारी लड़ाई झगड़ा, तुमने अपने बच्चे को बोले देख बच्चा तू जहर खाकर मरना तो मर जाना, लेकिन जो पड़ोसी को घर में नहीं जाना, इसका मतलब नहीं तू बच्चे के कहते तो तू जहर खाकर मर जा, इसका मतलब है पड़ोसी को घर में मत जा, इसका मतलब कहते। उसी तरह यहाँ पर जो कहते हैं बोले श्री लड्डू गोपाल की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो आज ठाकुर जन्म लेंगे ना, कितने बड़े बड़े ठाकुर आ गए थे, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय, बोले गोविंद जय जय गोपाल भैया। यहाँ पर जद अब यहाँ पर खड़े हो, किसी व्यक्ति को सामने आना मत दिया, पर बाबा आपको खड़े किया था ना वहाँ पर, आप वहीं खड़े रहो, उसको आना मत दिया। एक मिनट स्वागत करेंगे प्रभु जी, कौन स्वागत करेगा, कौन करेगा हमको, किसने, बाद में कर देगा ना, हाँ बाद में कर देना, बीच में कथा को बीच में किसी को भी आने मत दो, खुद भी बताओ कि बच्चों को जाकर पीछे बैठा दो, कोई यहाँ नहीं आए, माता जी जाओ चुपचाप बैठ जाओ, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बाबा पीछे खड़े हो जाओ, आपका दाई तो एक को भी आने नहीं दे, कोई आएगा तो आपको पर दोष लगेगा, इसी को आने मत दिया करो, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। इसलिए अभी भगवान कुंती माता को, हाँ यहाँ तात्पर्य है, देखो ये चीज को समझो, इसका तात्पर्य ये है, किसी जिस देश में जिस बेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण को, ठाकुर जी ये बताना चाहते हैं, ठाकुर जी हमें जिस स्थिति में क्यों नहीं रखे, उसी स्थिति में रहते हुए क्या करो, भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो। भगवान ये नहीं कहते भक्तों घर में विपत्ति आए, नहीं भगवान ये कभी नहीं, बल्कि सब दुख दूर जाए जब तेरा नाम लिया, भगवान के नाम से समस्त दुख कष्ट उसकी दूर हो जाता है। अभी श्री पितामह भीष्म जी अभी सरसज्जा में लेटे हुए, अभी उनकी भी अंतिम इच्छा है, अंतिम समय में ठाकुर जी का नाम को लेकर के मैं अपना अंतिम श्वास को त्याग करी। ठाकुर जी समस्त ऋषि मुनियों को लेकर के जाते हैं,
और भगवान सामने खड़े हुए पितामह भीष्म ठाकुर जी को दर्शन करते करते भगवान की नाम को लेते लेते अंतिम श्वास को उन्होंने त्याग करते हैं, जिसको देख करके समस्त देवता लोग भी स्वर्ग लोग से पुष्पों की बौछार करते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। अभी भगवान कृष्ण अभी द्वारका में गए हैं, लेकिन अर्जुन उनको छोड़ने के लिए गए थे, लेकिन 7 महीना हो गया अभी तक ठाकुर जी आए नहीं। एक दिन श्री युधिष्ठिर महाराज सारे अपशकुन देख रहे थे, इतने में अर्जुन को आते हुए देखा, पूरा उसका चेहरा लटका हुआ था चेहरा। इसको देख करके श्री युधिष्ठिर महाराज पूछे, अर्जुन क्या हो गया, तुम्हारी चेहरा क्यों लटक गया? बोले भैया, जो हरि जो कृष्ण उन्होंने ये संसार छोड़ करके अपना दिव्य धाम में चले गए, और जाते समय मेरे को सारे महिषियों को दिया था वापस लाने के लिए, पता नहीं बीच में कहां से ग्वालिया लोग आए, मेरे को डंडे देखा करके सारे महिषियों को छीन लिए। जिस गांडीव को द्वारा एक दिन संपूर्ण विश्व को मैंने जीता था, वो गांडीव को उठाने के लिए कोशिश की, लेकिन वो गांडीव मेरे से नहीं उठा। तब उन्होंने कृष्ण की एक एक गुण का स्मरण कर रहे हैं। बोले भैया आपको याद है? बोले किस चीज की? बोले जिस समय आप जुआ खेल रहे थे, शकुनी मामा ने कपट जुआ खेल करके सब कुछ छीन लिया, जब सब कुछ छीन लिया, बोले तेरे पास में एक सबसे बड़ा रत्न है। बोले कौन? बोले द्रौपदी। उन्होंने द्रौपदी को भी दाव में लगा दिए। द्रौपदी के जब हार गए, दुर्योधन ने कहा दुशासन अभी द्रौपदी राज रानी नहीं, हमारी दासी, जाओ पकड़ करके ले आओ। घिसटते हुए दुशासन घिसटते हुए उसको भरी सभा में ले आए। बोले इसको विवस्त्र करके मेरे जंघे के ऊपर बैठा दो। द्रौपदी के कितने पति थे? कितने पति थे? 5 पति थे। अगर इसी दुनिया में देखना, अगर एक किसका पति हो, बड़ा ताकतवान हो, खूब पैसा वाला हो ना, हे पत्नी का क्या अहंकार है। लेकिन देखो द्रौपदी का उस समय में 5-5 पति और एक से एक बलवान। सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी कौन है? अर्जुन। सर्वश्रेष्ठ गदाधारी कौन है? भीमसेन। सर्वश्रेष्ठ भाला युद्ध में श्री युधिष्ठिर महाराज, और तलवार युद्ध में नकुल और सहदेव। 5-5 पति, लेकिन अंतिम समय में कोई उसकी काम में आए? बोलो कोई उसकी काम में कोई आए? कोई? द्रौपदी आंख फाड़ फाड़ कर देख रही थी, कुछ ना तो बोलेंगे। जब इन लोगों ने कुछ भी नहीं बोले, वहां पर पितामह भीष्म एक बोली निकल जाए ना, किसी की हिम्मत नहीं उसकी कपड़े को स्पर्श करे। लेकिन वहां पर भीष्म भी खड़े थे, वहां पर श्री धृतराष्ट्र भी, द्रोणाचार्य कृपाचार्य ये सबके सब वहां पर थे, लेकिन वो आंख फाड़ फाड़ करके देख रही थी, लेकिन कोई भी उसकी काम में नहीं आए। जब कोई नहीं आए, इतने में दोनों हाथ उठा करके बोले, हे गोविंद राख शरण अत जीवन हरी। जब उन्हें दोनों भुजाओं को उठाते हुए श्री भगवान को याद की, भगवान कृष्ण स्वयं वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। 10,000 हाथी की ताकत खत्म हो गई, लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हो। सारा दुनिया देख रहे थे, साड़ी बीच कोई नारी ना, नारी स्वयं साड़ी बनी। यहाँ पर शिक्षा देते, भैया जगत में हमारी कोई भी अंतिम समय में काम नहीं आने वाले, आएंगे तो कौन आएंगे हमारे काम में? बस एकमात्र कृष्ण कन्हैया आएंगे। कौन आएंगे? ठाकुर जी एकमात्र आने वाले। इसलिए किसकी भरसा करो? ठाकुर जी को भरसा करो। देखो अच्छे तरह से की बात सुनो। बोले एक समय में है, एक समय में कृष्ण ने द्रौपदी से बोले, बोले द्रौपदी कृष्ण से कह रही है, बोले प्रभु जी जिस समय भरी सभा में मेरी वस्त्र हरण हो रही थी, उसी समय में आपको तो मैंने बड़े देर से पुकार रही थी, अब आने में इतने देर क्यों लगाए? अच्छे तरह से सुनो, बढ़िया से। इतने में कृष्ण ने कहा, देखो द्रौपदी तुमने मेरे को दिल से नहीं बुलाया। बोले प्रभु क्या बोल रहे हो? मैंने दिल से आपको नहीं बुलाया। बोले द्रौपदी सच सच बता, झूठ मत कहा करो। बोले जिस समय तुमको
दुशासन लेने के लिए आया तू क्या सोच रही थी? तू सोच रही थी मेरे पांच पांच पति रक्षा करेंगे तू सोच रही थी ना? बोले हाँ। बोले द्रौपदी में बीच रास्ता तक था, आया था रक्षा करने के लिए, लेकिन बीच रास्ता से मैंने वापस चला गया। बोले क्यों? बोले तुम्हारे जो पांच पांच पति रक्षा करने वाले में बीच में क्यों आता? बोले द्रौपदी में थोड़ा पास में भी आया था लेकिन तब भी मैंने गया। बोले प्रभु क्यों गए? बोले जब तुम्हारे पांच पांच पतियों ने रक्षा नहीं की, तू सोच रहे थे यहाँ पर द्रोणाचार्य कृपाचार्य यहाँ पर समस्त हमारी गुरुवर्ग कुछ ना कुछ बोलेंगे, देख रहे थे कि नहीं? और मेरे को भी भुला रहे थे। मतलब क्या, कृष्ण आए तो आए, कोई बात नहीं, नहीं आए किसी को मेरे को रक्षा करने वाले। द्रौपदी ऐसे भूज करने वाला मैं नहीं आता, इसलिए द्रौपदी वहां से वापस गया। बोले द्रौपदी एकदम तुम्हारी पास में आ गया था बचाने के लिए, तब भी मैंने वापस गया। बोले प्रभु क्यों? बोले देखा जब तुमको कोई भी नहीं रखा की ना, तुम अपने कपड़े को खुद पकड़ कर रखी थी और दांत को नीचे दबा करके रखी थी। मैं साधारण बेटी थोड़ी, साक्षात यज्ञ से मैं प्रकट हुई हूँ, अजोनी संभवा में हूँ, ये मेरे क्या कर लेगा, सोच रही थी ना? बोले हाँ प्रभु जी। बोले द्रौपदी जब तुमको रक्षा कर सकते हो, मैं फिर बीच में क्यों आता? इसलिए एकदम पास में आया था तेरे को रक्षा करने के लिए, लेकिन वहां से भी मैंने वापस लिया। लेकिन जब तुमने देखा तुम्हारी पांच पांच पति भी रक्षा नहीं किए, द्रोणाचार्य कृपाचार्य कोई नहीं रक्षा किए, तुम खुद को खुद भी नहीं रक्षा पार कर रही थी, उसी समय में दो भुजाओं को उठा करके हे गोविंद राख शरण आप जीवन हरी, जब तुमने दोनों हाथों को उठा तो मेरे को पुकारी, मैंने आने में कोई देर नहीं लगाई, उसी समय में मैं साक्षात वस्त्र रूप में प्रकट हो गया। बस श्री भक्त वत्सल भगवान की। हाँ देखो ये चीज को समझो, भगवान की जो भक्ति है ना, एक अनिष्ट से करनी चाहिए, बहुनिष्ठ होकर के उसको पुकारोगे हाँ ठाकुर आए आए, नहीं आए तो हमारे पति है ना, पैसा है ना, परिवार, ये हमें रक्षा करेंगे। भैया वो टेढ़े टांग पहले से ही, वो टेढ़े टांग वाले वो सहज में नहीं आएंगे, वो पहले ही टेढ़े हैं। अगर हम सीधा बनोगे ना, वो सीधा बन जाएंगे। अगर तुम भी टेढ़ी बनोगी हैं, आज इसी देवता को पाओगे, जाओगे उसी देवता को पास में, उसी को पुकारोगे, फिर कृष्ण बीच में क्यों आएंगे? वो नहीं आएंगे कृष्ण ऐसे फिर, इसलिए उनको एक मन से पुकारनी चाहिए, ठीक है ना? इसलिए ब्रज गोपियां जब उद्धव जी ब्रज में गए और ब्रजवासियों को बोले देखो कृष्ण को ध्यान लगाओ, कृष्ण सर्वत्र है, गोपियों ने क्या बोले? बोले उद्धव मन ना भयो दस बीस, एक मन सो गए श्याम संगे को आराध ईस। तुम कहते हो ना ध्यान करने के लिए, ध्यान तो मन से होता है ना, लेकिन मन तो दस बीस है ही नहीं, मन तो एक ही है, लेकिन वो एक मन तो कृष्ण को साथ में ही वृंदावन गया, कहाँ गया? द्वारका गया है, फिर हम किसको ध्यान करेंगे? जैसे मीरा कहती है मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा न कोई, अगर उसको एकनिष्ठ होकर के भक्ति करोगे जरूर तुम्हारी आवाज को सुनेंगे, अगर बहुनिष्ठ होकर के भक्ति करोगे फिर तो तुम्हारी आवाज को सुनेंगे नहीं। बोले भैया जिसको पुकार रहे हो वही तुमको रखा गया, मैं बीच में नहीं आऊंगा। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए यहाँ पर श्री अर्जुन जी कृष्ण की एक एक महिमा को गा गा करके सुना रहे थे ठाकुर हमें, कितने बाधाओं से ठाकुर जी हमें बचाए, बड़े भक्त वत्सल आज वो प्रभु चले गए। जब इतनी सी बात सुनते ही मैया कुंती उसी समय शरीर त्याग दी। बोले क्यों? बोले जब कृष्ण ही नहीं रहे फिर ये शरीर रखकर क्या लाभ है? देखो मैया कुंती हमें शिक्षा देती है, देखो ये शरीर धारण करने का सार्थकता कब है? कहती ये शरीर धारण करने का तभी सार्थकता है अगर ये शरीर से ठाकुर जी की भजन हो, अगर ये शरीर से प्रभु का भजन नहीं होना, कहती ये शरीर धारण करना बेकार है। इसलिए भागवत कहता है जीवन सबो भागवतांग्रि रेणु न जातु मर्त्य अभिलवेत जस्तु श्री विष्णु पद्या मनुजा तुलस्या। वो कह रहे हैं ये जीवन धारण करने का सार्थक तभी जब भजन करो। क्यों? कहते पेड़ क्या जिंदा नहीं रहते? देखना पीपल पेड़ देखना हजार हजार साल जिंदा रहते, अगर जिंदा रहना सबसे बड़ा भैया पीपल बरगद पेड़ को देखो हजार साल तक जिंदा रहते,
अगर जगत में खाना सोना ही सब कुछ है, बताओ कौन सा कुत्ते गधे सुअर खाते हैं? वो भी खाते हैं। बोले बच्चे जन्म देना, सुअर को देखो एक ही साथ में दर्जन दर्जन बच्चा जन्म दे रहे और एक महीना में बड़ा कर देते हैं। कहते जो खाना पीना सोना तो ये हर जीवन में होता है, लेकिन ये जो मानव शरीर का इतने दुर्लभता क्यों? कारण है इसी शरीर से हम भगवान की भजन कर सकते हैं, प्रभु की हम भक्ति कर सकते हैं, इसीलिए ही ये जीवन का इतने दुर्लभता। अगर जीवन में सब कुछ खाए पिए सारा दुनिया किया लेकिन जीवन में प्रभु की भजन नहीं किया तो कहते भैया वो जीवन रहना जीवन सबो, मतलब जिंदा रहते हुए भी वो व्यक्ति मृत, वो मरा हुआ व्यक्ति, वो जिंदा नहीं। बोले क्यों? बोले जीवन पा करके भगवान की भक्ति नहीं करना। इसलिए उसी समय मैया कुंती अपना शरीर को त्याग दे दी। फिर पंच पांडव ने श्री युधिष्ठिर श्री अब श्री परीक्षित महाराज को राज्याभिषेक करते हुए पंच पांडव भी सब कुछ महाप्राण में चले गए। एक दिन से परीक्षित महाराज बड़े अपशगुण देख रहे थे, उनने भ्रमण करते करते एक आश्चर्य घटना देखा। देखा एक गैया बड़ी दुखी होकर के रो रहा है, एक बैल जिसका तीन प्यार नहीं वो एक प्यार से खड़ा हुआ, और एक शूद्र राजा उसको एक प्यार को डंडे मार मार करके तोड़ रहा था। वो जो वृषभ था वो बिष्टा मूत्र को विसर्जन करते हुए रो रहा था। परीक्षित महाराज को बड़ा क्रोध आया, मेरे देश में गैया को ऊपर अत्याचार क्यों? गैया है गो माता है, जिनकी शरीर में 33 करोड़ देवता की निवास है निवास है। इसलिए श्री परीक्षित महाराज झपट पड़े तलवार लेकर के, लेकिन वो था साक्षात कली, उसको पता था ये श्री अर्जुन का वंशधर है। जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, अगर अर्जुन का वंशधर अगर कोई हो एक बार उनकी चरण में शरणागत हो जाओ वो माफ कर देते। सीधा उन्होंने चरण में लेट गए। बोले बताओ ये कौन है? बोले ये पृथ्वी गैया। बोले क्यों रो रही है? बोले कृष्ण चले गए, अब ये कलयुग आएगा, कलयुग में लोग बड़े अधर्म करेंगे पाप कर्म करेंगे, इसलिए पृथ्वी बड़ी दुखी हो रही है, ये पाप को हम कैसे सहन करें? बोले ये कौन है? पूछे भैया तू कौन हो? वो था धर्म। बोले मैं किसी को दोष नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जीव जैसे जैसे कर्म करता है वो कर्म के अनुरूप जीव वैसे फल भोग करता है, मैं किसी को दोष नहीं लगा सकता हूँ, मैं किसी को कभी बोलूंगा नहीं उसकी वजह से ऐसे हुआ। भैया किसी की वजह से कुछ नहीं होता है, हमने जैसे कर्म किया कर्म का अनुरूप फल भोग करना पड़ रहा है। अगर जैसे हम नीम का बीज बोएंगे, बताओ कौन सा वृक्ष वहां पर आए? केले का ना अंगूर का? नीम का। अगर चीकू का बीज बोएंगे तो कौन सा वृक्ष होगा? चीकू। आम की गुठली बोओगे तो कौन सा वृक्ष आएगा वहां पर? आम की। हमने जैसे जैसे कर्म किया है ना वो कर्म का अनुरूप ही जीव का फल भोगना पड़ता है, इसलिए मैं किसी को कभी दोष नहीं लगा सकता हूँ। मैंने जो कर्म किया कर्म का फल भोगना पड़ रहा है, वो समझ गई ये धर्म है, ये धर्म है। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, भैया कभी भी किसकी चुगली मत करो, किसी कभी चुगली मत करो। एक सुंदर एक स्टोरी सुन लो, अच्छे तरह से सुनो। बोले एक समय कोई एक संत किसी राज दरबार में भिक्षा लेने के लिए गया, वो राजा तो बिगड़ करके बोले तेरे को शर्म नहीं आता है, तो भीख मांगने के लिए आ गए हो। उसने किया कि जो घोड़े का जो लीड था ना वो घोड़े का लीड को उसको झोली में, ये बच्चे को बैठा दो, घोड़े को लीड उसको झोली में उन्होंने दे दिया। वो संत हैं उसको ले करके चले गए। एक दिन राजा घूमते घूमते उसी संतों का आश्रम पर पहुंचे, देखा घोड़े का जो लीड है ना एकदम पर्वत आकार में घोड़े का लीड है। वहां पर बोले ये क्या है? तो वहां पर जाकर के देखा ये एक संत बैठ कर भजन कर रहे थे। बोले बाबा ये क्या है, घोड़े का लीड कहाँ से आ गई? बोले महाराज आपको याद होगा एक दिन आपको आश्रम में हमने गया था, आप मेरे को भिक्षा में क्या दिया था बोलो? घोड़े का लीड दिया था ना? बोले हाँ। बोले संतों को कोई चीज दोगे ना वो कभी घटेगा नहीं बढ़ेगा, जैसे राम का बाण है ना, जब भगवान राम अपना बाण में हाथ लगाते वो एक गुण होता है, जब निकालते वो 100 होता है, जब धनुष में चढ़ाते 1000 होता है,
जब खींचते हो लात, जब छोड़ते हैं ना, वो करोड़ गुण बन करके जाता है। जब ये प्रहार करता है प्राण को ले लेता है। इसलिए जो भगवान को अगर किसी शुद्ध संत को कोई चीज दोगे, कहते वो कभी घटेगी नहीं, हर समय वो बढ़ेगी। आप मेरे को घोड़े का लीड दिया था ना, तो बढ़ेगा। एक दिन बढ़ते 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 इतना बृहत आकार में धारण करेगा, तेरी राज्य में घोड़े का लीड के सिवाय कुछ भी नहीं रह जाएगी, पूरा तेरे राज्य घोड़े का लीड लीड बन जाएगा। इतने में तो डर गए, बोले अभी क्या होगा बाबा, चरण में गिर पड़े। बताओ अभी मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले देखो, मुक्ति मिल सकती है अगर तुम्हारी राज्य में तुम्हारी कोई चुगली करे ना, तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। बोले बताओ क्या करना पड़ेगा? बोले तुम्हारी एक बेटी है ना अभी शादी के लायक। बोले हाँ। बोले एक काम करो, तुम्हारी जो बगीचा में एक छोटी सी कुटिया बनाओ, तुम अपना बेटी को अकेले लेकर के वहीं पर रहा करो, और पूरा राज्य तुम्हारी चुगली करेगा तो तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएगी और लीड भी खत्म हो जाएगी, सचमुच से सबके सब खत्म हो गए। लेकिन एक टोकरी और खत्म नहीं हो। इतने में बोले बाबा सारे को सारे तो खत्म हो गया, लेकिन एक टोकरी कैसे रह गया? बोले तेरे राज्य में सबके सब तो तेरी चुगली करते हैं, लेकिन एक भजनानंदी माता जी वो तुम्हारी चुगली नहीं की, उसकी हिस्सा की रह गई। अगर वो चुगली करेगा ना ये खत्म हो जाएगा, नहीं तो तेरे को उसको खाना पड़ेगा। इतने में राजा अपना ड्रेस को बदलाते हुए उस माता जी घर में पहुंचे। देखो माता जी कभी भी किसकी चुगली नहीं करती हैं, और बैठ करके दिन रात माला लेकर के एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और एक बार सबके सब जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। भजन कर रही थी, इतने में वो जो राजा अपना रूप बदला कर गया था, राजा ने बोला माता जी तुमने सुनी है वो राजा क्या कर रहा है? वो सोच रहा था शायद वो भी चुगली करेगी, राजा अपना बेटी को लेकर के अकेले रह रहे हैं कुटिया में। लेकिन इतने में वो बुरी माता जी भड़क गई, बोले ए दुष्ट राजा, मैं अपना भजन प्रभाव से सब कुछ जानती हूँ। जब वो संत तुम्हारी घर में आए थे, तुमने घोड़े का लीड दिया था ना, वो जो एक टोकरी लीड बच गई तेरे को खाना पड़ेगा। मैं कभी किसी की चुगली नहीं करती हूँ, तेरे को खाना पड़ेगा। देखो यहाँ कहते हैं, काहरे ना करे निंदा कृष्ण कृष्ण बोले, अजय चैतन्य सही तारी में कहले। ये संसार से कौन पार हो जाता है जो कभी किसी की चुगली निंदा नहीं करता है और हर समय ठाकुर जी की भजन करते हैं, ठीक है ना? इसलिए जिसको चुगली करोगे इसका सारे पाप तुम्हारी ऊपर में आने वाले हैं। इतने में बोले ये कौन? बोले धर्म। बोले तुम्हारी तीन चरण कहाँ चला गया? बोले सत्य त्रेता द्वापर कलि चार युग, धर्म का चार चरण है, अभी तीन युग चला गया, अभी कलि का एक धर्म का एक चरण में वो खड़ा हुआ। बोले तू कौन? बोले कलि। बोले क्या कर रहे हो? बोले मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, ये कलि युग मेरी है, ये कलि युग में धर्म कर्म कुछ भी नहीं रह जाए, सबके सब पाप कर्म में लिप्त तो हो जाए और पूरा का पूरा देश में मेरे राज्य तो हो। लेकिन परीक्षित देखो, ऐसे परीक्षित महाराज इतने बलवान, इतने बड़े कृष्ण भक्त थे। बोले जब तक मैं दुनिया में रहूंगा तेरी कोई भी स्थान नहीं, निकल जा यहां से, नहीं तो जान से खत्म कर दूंगा। बोले प्रभु कहां जाऊंगा? क्योंकि उसी समय जो संपूर्ण पृथ्वी वो एक था, हैं? संपूर्ण पृथ्वी एक था पहले, बाद में धीरे 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 विभाजित हो गया, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर इनकी राज्य होती थी। बोले कहां जाऊं? जहां जाता हूं आपको ही मैं धनुष धारण करते हुए देखता हूं, मेरे को स्थान दो। जब सत्य त्रेता द्वापर को स्थान दे दिया, मेरे को भी स्थान दो। तब परीक्षित महाराज बहुत सोचने लग गए, ये कलि को स्थान दूं कि नहीं दूं? देखा यद्यपि ये कलि युग में पाप ही पाप है, लेकिन कलि युग में एक धर्म है। क्या धर्म है? बोले कलि युग के बलना मा आधारा, कलि युग
मेरे सो मेरी कलयुग में तो दोष है ही है, लेकिन कलयुग में एक गुण है, अगर कोई ठाकुर को थोड़ा सा कीर्तन कर देना, ये कीर्तन से ही उसको मुक्ति मिल जाएगी। कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, इसलिए उन्होंने ये कलयुग को स्थान दे दिया। विशेष करके जो कलयुग तो दोष तो गुण है ही है, लेकिन कलयुग जो जिस कलयुग में हम लोग आए ना, हाँ ध्यान देकर सुनो, ये कलयुग में कोई जन्म लेना नहीं चाहते। कली मतलब क्या? लड़ाई झगड़ा। देखना भाई भाई में लड़ाई, बहू बहू में लड़ाई, सास बहू में लड़ाई, सास ननद में लड़ाई, घर घर में लड़ाई, पड़ोस में लड़ाई, आपको पता होगा भी देश देश में लड़ाई, किसी ऑफिस में जाओ लड़ाई। ये लड़ाई का सिवाय कलयुग में कुछ है ही नहीं, सब जगह में लड़ाई कलह कलह है। इसलिए ये कलयुग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते। लेकिन अभी जो कलयुग चल रहा है ना, ये कलयुग का बड़ा महिमा है। कहती ये कलयुग में एकादश स्कंध में बताए, ये कलयुग में तो बड़े बड़े देवता लोग भी जन्म लेना चाहते हैं, स्वर्ग के देवता लोग भी जन्म लेना चाहते हैं, सत्य त्रेता द्वापर युग का लोग भी जन्म लेना चाहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले ये जो कलयुग है ये धन्य कलयुग है। धन्य कलयुग मतलब ये कलयुग में श्री सच्चिदानंद गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु ये कलयुग में आए। महाप्रभु हर कलयुग में नहीं आते हैं, ब्रह्मा का एक दिन में एक बार इस जगत में आते हैं। बोले ब्रह्मा का एक दिन कितना दिन है? बोले 1000 चतुर्युग। मतलब कलयुग का परमायु, अच्छे तरह सुनो, कलयुग का परमायु 4,32,000 साल, द्वापर युग उसका डबल, तृतीया युग कलि को डबल करो, सत्य युग को डबल, चार डबल करो, ये सबको मिलाओ, एक महायुग है। ऐसे एकातर महायुग में एक मन्वंतर है, जब ऐसे 14 मनु चले जाते हैं तभी श्री सच्चिदानंद गौर हरि जगत में आते हैं, श्री महाप्रभु जगत में आते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं कलयुग में, ब्रह्मा शंकर नारद जो प्रेम के लिए ये भी तरसते हैं, महाप्रभु उनको मुक्त हाथों से वो प्रेम को प्रदान करते हैं। कहते कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, कलयुग में क्या करो, 4 नियम का पालन करते हुए हरिनाम करो। इसलिए परीक्षित महाराज कलयुग को उन्होंने 4 जगह पर स्थान दे दिया। बोले अगर ये कलयुग में 4 नियम को थोड़ा कोई पालन कर ले और थोड़ी सी हरि का नाम ले ले, एक बार मेरे साथ में हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण, हम लोग कोई बोलते नहीं, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। और एक बार आप लोगों पहले मैं सुनूंगा जोर से जितना ताकत में, कुछ कुछ माताओं का मुंह में आवाज नहीं निकल रही है। बोले श्री हरिनाम संकीर्तन की, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। इसलिए कहते 4 नियमों का पालन करना। पहला नंबर जुआ नहीं खेलना, धर्म का पहला चरण सत्य है। देखना जो व्यक्ति जुआ खेलता है ना, वो कभी सच नहीं बोलता, झूठ को बड़े झूठ है। इसलिए यहाँ पर धर्म का पहला चरण सत्य खत्म हो जाएगा। दूसरा नंबर है पानम, किसी तरह का नस्ली वस्तु को पान नहीं करनी चाहिए। नस्ली वस्तु में पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, ये सब चीज को नहीं ग्रहण करनी चाहिए है। इसलिए मैंने कल बताया था ना, ये शराब भी नहीं पीनी चाहिए। कल बताया था जो शराब पीते हैं उसका 3 लाभ है। कितना लाभ है, क्या क्या लाभ है? पहला लाभ है वो कभी बूढ़ा नहीं बनेगा। बोले बूढ़ा कब बनेगा? जिंदा रहे तब तो बूढ़ा बनेगा ना।
वो तो पी पा करके आधा उम्र में खत्म हो जाएगा, तब जिंदा कहाँ से रहेगा। इसलिए मेरे पास में एक माता जी हरिनाम लेने के लिए आए, वो 30 साल की, छोटे छोटे दो बच्चे हैं। मैंने कहा इसकी पिताजी कहाँ है, बोले मर गया। बोले मर गया, इतने कम उम्र में कैसे। बोले पीते थे, क्या करते थे, पीते थे, और पी पी करके दोनों लीवर ही खत्म। जो पकड़ा गया दोनों लीवर, बचने का कोई चांस ही नहीं था। इसलिए भैया अगर जिंदा रहना चाहते हो ये शराब से दूर रहा करो। दूसरा लाभ क्या, बोले घर में चोरी नहीं होगी। बोले चोरी कब होगा, कुछ घर में हो तभी तो चोरी होगी, वो तो सब तो बेच बाच कर पी पा कर खत्म कर देगा, चोरी किस चीज की होगी। तीसरा लाभ क्या, बोले कुत्ते दोस्त बनेंगे, कहीं पी पा करके पड़ा रहेगा, कुत्ते आकर मुंह में पेशाब कर चले जाएंगे। इसलिए आप लोग अपना बच्चों को, अपना पति को, सबको सावधान करना, ठीक है ना, इनको सावधान करना ये सब खाने पीने चीज में, इनकी जैसे रुचि नहीं रह जाए, ठीक है। इसलिए किसी तरह का नस्ली वस्तु नहीं लो, नशा एक ही हो, भगवान की भक्ति की, ठाकुर का प्रेम ही एक नशा जीवन में होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए जो दूसरी चीज है स्त्रियां, बोले स्त्रियों को ऊपर में कलिका निवास, बोले स्त्रियों को ऊपर में, बोले कौन सा स्त्रियां हैं, बोले जो बगैर शादी के, जो अवैध रूप में जो स्त्री पुरुषों से और पुरुष स्त्रियों से मिलते हैं वहां पर कलिका निवास है। इसलिए शास्त्र में बताया अगर घर गृहस्थी करना तो अपना धर्म पत्नी को साथ में शादी करते हुए धर्म को साथ में अपना धर्म निभाओ। इसलिए बगैर शादी के जैसे अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं, शास्त्र एकदम मना करता है। अब पंचम स्कंध में वर्णना किया है जो व्यक्ति बगैर शादी के लड़का लड़की, लड़की लड़कों से मिलते हैं, पंचम स्कंध में बताया मरने का बाद लोहे की स्त्री बना करके एकदम जलते हुए जोर जबरदस्ती दोनों का आलिंगन कराते हैं, इतने कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए कहते यहाँ पर कली का निवास है। जो चौथा नंबर है जीव हिंसा, जीव हिंसा मतलब मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए। ये जो मांस है, देखो इसका शब्द होता है मांस, ये संस्कृत शब्द है, मांग मतलब मुझको, सह मतलब वह, मतलब अभी जिसको तुम खा रहे हो बाद में जो तुमको फेर खाएगा। इसलिए अंग्रेजी में देखो मीट, मीट मतलब क्या, मी ईट और ईट मी, मतलब जब जिसको तुम अभी खा रहे हो वही फेर तुमको दो बार खाएगा। इसलिए भागवत में कथा आती है एक राजा था जिसका नाम था सुरत, वो यज्ञ में पशु बलि करता था। एक दिन नारद से मिले, बोले ये सब क्या कर रहे हो, बोले यज्ञ में पशु बलिदान कर रहा हूँ। बोले इसका नतीजा क्या जानते हो, बोले क्या, बोले देख तुमको दिखाता हूँ। उनने कमंडल से पानी लेकर छिड़काव कर दिया, इतने में जमदूत पकड़ कर ले जा रहे हैं, और जितने जानवर को उसने मारा था देखा सबके सब लाइन करके खड़े हुए और ऐसे तलवार लेकर के उसकी शरीर को बोटी बोटी करके काट रहे थे। बोले तुम लोग कौन हो, बोले याद है तुमने पहले जन्म में हमको खाया था, याद है भैया। पाप अपना कभी बाप को नहीं छोड़ता है, ये जीव हिंसा सबसे बड़ा पाप बताया। ये जो चार तरह का जो पाप में सबसे जो ज्यादा पाप बताया है जीव हिंसा है। जीवन में हम कोई भी दुखी होना नहीं चाहते, बताओ कौन दुख पाना चाहते हो, सुख चाहते ना दुख चाहते हैं, बोलो सुख चाहते ना दुख चाहते हो, सुख चाहते हैं। हम कहते हैं ना सुख दो तभी सुख मिलेगा, और दुख देने से क्या मिला, दुख तो मिलेगा। जब हम किसी को दुख दे रहे हैं आप बताओ हम सुख कहां से आ सकता है। इसलिए कभी भी ये सब चीज से हमें दूर रहनी चाहिए। और एक चीज है ये प्याज लहसुन भी नहीं खानी चाहिए। जैसे नवरात्रि आती है आपको पता है, जैसे माँ का दिन नौ दिन, आप लोग नवरात्रि में कोई प्याज लहसुन खाते हो क्या घर में, खाते हो नहीं खाते हो, क्यों नहीं खाते हो, माता जी को पसंद नहीं तभी तो नहीं खाते हो क्या, 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा, क्या 9 दिन तक मैया को खुश रखना था उसको बाद में प्याज लहसुन खा करके फिर उनको नाराज कर दो, नहीं। जो चीज माता जी को पसंद नहीं, जो चीज पिताजी को पसंद नहीं, ठाकुर जी को पसंद नहीं,
जो चीज ठाकुर को सेवा में नहीं लगता है वो चीज हमें भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। देखो ये पुराण में कथा आती है, ये प्याज लहसुन हमें क्यों नहीं खानी चाहिए, अब अच्छे तरह से सुना, दूसरों को भी सुनाना। बोले पहले जो ऋषि मुनि लोग आश्रम में गैया पालते थे, अगर कोई गैया बूढ़ी हो जाए ना, प्रभु जी कहाँ खड़े हो, जब वो बूढ़ी हो जाती थी, एक बार सबको आगे के लिए बोल दो, पीछे ना बहुत जगह है, आगे आगे कहाँ आएंगे आपकी जगह, छोटा जगह नहीं दिया, आगे आएंगे कहाँ, जगह जगह घेर रखी लोग। प्रभु जी कह रहे हैं आप लोग एक एक माताएं दो दो माताओं का जागम घेर कर बैठे, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, प्रभु जी कह रहे हैं थोड़ी थोड़ी आगे आगे आ जाओ, फिर तो पीछे भक्त लोग भी बैठ सकते हैं, थोड़ी थोड़ी आगे आगे आ सकते हो, थोड़ी थोड़ी आगे आगे सर के जाओ, थोड़ी थोड़ी सर के जाओ, थोड़ी थोड़ी हाँ, और थोड़ी थोड़ी लगता है पीछे जो माता है ना बर्फ जैसे जम गई लगता है, इसलिए कोई खिसक नहीं रही, थोड़ी थोड़ी आगे धीरे धीरे आ जाओ, थोड़ी थोड़ी माताएं थोड़ी थोड़ी, फिर एक एक काम कर लो, एक बार सबके सब खड़े हो जाओ, खड़े होकर ना एक बार नाच लो, खड़े हो जाओ सबके सब नाच लो, जो पीछे के माताएं अपने आप आ गए थे, एक बार खड़े हो जाओ, प्रभु जी एक भजन गा लो तो बढ़िया से, हाँ एक बार सबके सब खड़े हो जाओ, सबके सब हाँ एक बार खड़े हो जाओ, प्रभु जी भजन गाएंगे, बोलो बाकी बिहारी लाल की पहले था। सावरे रसिया से हो गई अपनी हरी, सावरे रसिया से हो गई अपनी हरी, सावरे सावरे हो सावरे रसिया से हो गई अपनी हरी, सावरे रसिया से हो गई अपनी हो गई अपनी हारी, हारी 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 हो गई अपनी हारी, हारी 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 हो आगे वाली माता में घड़ी नहीं घड़ी घड़ी जाओ सभी आगे रसिया से हो गई अपनी हारी, आगे रसिया से
उसने यज्ञ में आहुति नहीं डाला। गैया तो जवानी बन गई,
लेकिन जिस अंग का मांस को उसने छुपाया था वहां पर इतना बड़ा घाव बना हुआ। ऋषि तो साधारण थे नहीं, उनने ध्यान लगाए ये गैया का शरीर में घाव कैसे है। उनने ध्यान लगा करके देखा किसने मांस खाने के लिए उन्होंने राख में उसको छुपाया। ऋषि ने अभिशाप दी, जहां पर ये मांस को गाड़ दिया, मांस जैसे लाल लाल रंग के ये प्याज की वहां पौधा हुई, और जैसे मांस से बदबू निकलती है ये प्याज से भी ऐसे बदबू निकलेगी। देखना जैसे कच्चा प्याज खाओ मुंह से बदबू मारती है, अगर प्याज कहीं कटे तो पता चलता है कहीं प्याज कट रही है। छोंक भी दो देखना छोंक में भी बदबू आती है। इसलिए 9 दिन तक देखना ये नवरात्रि में ये 9 दिन तक कोई प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, और ये ठाकुर जी को भी भोग में भी ये चीज नहीं लगती है। इसलिए ये चीज अपवित्र वस्तु है। पहले कोई हिंदू लोग इसको नहीं खाया करते थे, क्योंकि हर घर घर में ठाकुर जी होता था, ठाकुर जी को सब भोग लगा करके प्रसाद पाते थे। लेकिन ये सबके सब निकृष्ट व्यक्ति, सबके सब उल्टा पुल्टा व्यक्ति इसको धीरे 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 सबके सब हमारे भारत में लेकर के आ गए। लेकिन पहले भारत में कोई भी ये वस्तु को ग्रहण नहीं करते थे। और देखो कृष्ण गीता में कहते हैं, कहते हे अर्जुन, जो लोग मेरे को भोग लगा करके खाते हैं, देखो ये गीता का श्लोक है, बोले भुंजन्ते तु अघम पापा जे पचन्ति आत्म कारणात्। बोले हे अर्जुन, जो लोग मेरे को बगैर भोग लगाए हुए खाते हैं वो हर ग्रास ग्रास में पाप भोजन करते हैं, लेकिन जो लोग मुझको प्रसाद लगा करके खाते भोग लगा करके वो अमृत भोजन करते हैं। आप लोगों ने मीरा का नाम सुने होंगे, बोले राणा ने भेजा 20 का प्याला, लेकिन मीरा तो गिरधर लाल को भोग लगाई बगैर खाती नहीं, कृष्ण को भोग लगाए तो अमृत हो गया, मीरा ने अमृत रूप में पान कर लिया। जब कोई चीज ठाकुर जी को भोग लग जाए वो अमृत बन जाते हैं, हाँ वो 20 नहीं वो अमृत बन जाती है। इतने महिमा ठाकुर जी को भोग लगाने का। आप लोग सुदामा जी का नाम सुने होंगे, आप टीवी में देखे होंगे, आपको पता होगा ये सुदामा पहले दरिद्र क्यों बना, ये बाद में धनी क्यों बना। आप टीवी में देखे होंगे जब कृष्ण सुदामा जा रहे थे जंगल में, गुरु माता ने सुदामा जी को चाना दिया था, बोले सुदामा कृष्ण को दे कर खाइयो, लेकिन सुदामा ने किया क्या, छुप छुप कर खाया ना, कृष्ण की हिस्सा की छुप छुप कर खा गए। कृष्ण बोले इसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। सुदामा इतने दरिद्र बना सुदामा क्यों, ठाकुर को बिना दिए खाए। लेकिन फिर धनी का बना, जब उसको पत्नी को पता चला इनकी बचपन का दोस्त द्वारकाधीश है, बोले जाओ ठाकुर को दर्शन करके आओ। बोले देखो खाली हाथों में नहीं जानी चाहिए, उनने 2 मुट्ठी चिड़वा लेकर के सुदामा गया था। आप देखे कि नहीं टीवी में, कृष्ण 1 मुट्ठी खाए, कृष्ण 2 मुट्ठी खाए, जब 3 मुट्ठी खाने जा रहे थे रुक्मणी हाथ पकड़ी, बोले नहीं प्रभु आपने 2 मुट्ठी खा लिया मतलब सुदामा जी का घर में सारे राज ऐश्वर्य पहुंच गया, अगर आप 3 मुट्ठी खाओगे तो मैं जो लक्ष्मी उसके घर में दासी बन जाऊंगी। जब सुदामा घर में आया सोने की महल, सुशीला ऐसे राजकुमारी बन करके बैठी हुई, सुशीला इनको आरती उतारने के लिए आ रही थी, लेकिन सुदामा जी पीछे पीछे हट रहे थे। इतने में सुदामा बोले तुम कौन हो, बोले तो मैं वही सुशीला। बोले ये सब क्या है, बोले ठाकुर जी के लिए 2 मुट्ठी चिड़वा लेकर गए थे ना, ठाकुर जी 2 मुट्ठी खाए तो त्रिभुवन का राज्य दे दिए। देखो ये चीज को समझो, घर में अगर भगवान की भोग लगा कर खाओगे ना, घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। माँ लक्ष्मी, देखो लक्ष्मी कहाँ कृपा करती है, लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी हमारी है ही नहीं, लक्ष्मी नारायण की है। जब आप नारायण की सेवा करोगे, कृष्ण तो नारायण है ना, मूल नारायण, जहां नारायण की सेवा होगी लक्ष्मी छुपा छुपा करके तुमको धन में देख कर जाएगी। क्यों, आप लक्ष्मी को द्वारा नारायण की सेवा कर रहे हो। अगर तुम लक्ष्मी को नारायण की सेवा में नहीं लगाओगे, प्याज लहसुन खरीदी करोगे, मांस मछली खरीदी करोगे, वो लक्ष्मी को दे करके लक्ष्मी बिगड़ जाती है, वो नाराज होती है, अभिशाप देती है लक्ष्मी,
वो संतुष्ट नहीं होती है। हाँ, लेकिन कोई कोई कहते हैं नहीं हम तो ठाकुर को भोग लगाते हैं। बोले कैसे? बोले खुद तो प्याज लहसुन डाल डूल करके शाही पनीर मटर पनीर राजमा चावल चकाचक खाते हैं, ठाकुर जी को थोड़ा बतासा नहीं तो दूध रख देते हैं ठाकुर को सामने। तब हमारे गुरु जी उदाहरण देते थे, आप भी समझो। जैसे आपको घर में कोई एक नौकर है, वो नौकर क्या करता है, बढ़िया बढ़िया खुद तो बना बना कर खाता है, लेकिन मालिक को जैसे तैसे दे देता है। अगर मालिक को पता चले घर का मेरे नौकर मेरे को तो जैसे तैसे दे देता, रोज शाही पनीर मटर पनीर डाल कर खा रहा है, अगर ये बात मालिक को पता चली जाए, बताओ नौकर को क्या करेगा? बोलो बोलो नौकर को क्या करेगा? धक्का मार के घर से निकाल देगा। बोले सब कुछ मेरा, मेरे घर में रह रहे हो खा रहे हो, अरे मेरे को जैसे तैसे खिला देते, बढ़िया बढ़िया खा रहे हो। आप बताओ घर का मालिक कौन? हम ना घर का मालिक ठाकुर जी है, ठाकुर जी है ना। वो उनको क्या दिख नहीं रहा है? उसको बैठ बैठ कर देख रहे हैं तुम क्या कर रहे हो नहीं करो, सब कुछ देख रहे हैं। इसलिए घर से प्याज लहसुन को त्याग दे देनी चाहिए। कोई बोलता है नहीं स्वाद नहीं आता, नहीं, कितने कितने तरह का मसाला आया है, हींग रखो बढ़िया सुंदर है, अदरक धनिया और कितने तरह तरह गर्म मसाला निकला है, हैं कितने तरह का उसको डाल करके हर चीज का के स्वाद है, हैं हर चीज का स्वाद। लेकिन प्याज लहसुन डालो ना सारे स्वाद खत्म, वो प्याज लहसुन का बदबू आ जाता है, हम उसको स्वाद मान लेते हैं। आप देख लेना घर में रोज प्याज लहसुन बनता है। किसी दिन कोई तिथि त्यौहार आ जाए, कोई बढ़िया कोई तिथि, जिस दिन घर में प्याज लहसुन नहीं बने ठाकुर को भोग लगता है, देखना उसी दिन खाने में अलग स्वाद आता है, आता कि नहीं? आज भी यहाँ पर बड़े सुंदर छोले सब्जी होगा, हाँ छोले चावल होगा, राजमा चावल देंगे, इसमें स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? हाँ, इसलिए आप लोग घर की लक्ष्मी हो। अगर आप लोग सब तुम्हारी हाथ में सारे चौका बर्तन हैं, इतना सुंदर मसाला डाल करके पति को बढ़िया करके खिलाओ, वो भूल जाए प्याज लहसुन खाना और ठाकुर को भोग लगाओ, देखना माँ लक्ष्मी खूब घर में, लक्ष्मी की कृपा तुम्हारी घर में खूब होगी। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज श्रीमद् भागवत कथा में भगवान वामन देव अवतार लेने वाले, कहते श्रीमद् भागवत कथा में कहते श्री देहूति कपिल का संवाद आए हैं। भगवान कपिल देव अपना माँ को उपलक्ष्य करते हुए उन्हें बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने दिव्य ज्ञान प्रदान की। बोले माता अगर तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो सबसे सरल उपाय है संतों की संग कर, क्योंकि बिनु सतसंग विवेक ना होई, राम कृपा बिना सुलभ ना सोई, इसलिए मैया संतों की संग करो। बोले बेटा संत भी पहचानना बड़ा कठिन है, संतों का कुछ लक्षण तो बताओ। भगवान कहते हैं माता जी संतों का बहुत सारे लक्षण है, लेकिन उनका जो पहला लक्षण है ना सहन करना, जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो ना सहे है। इसलिए माँ अगर भक्ति करना चाहते तो देखो ये मत समझो हम लोग ही संत हैं ये कपड़े पहन लिए, नहीं, जो जहाँ रह करके जितने ठाकुर को भजन करता है वो उतना बड़ा संत है। भागवत में देखो यहाँ पर कोई त्यागी संतों का कथा नहीं है, ध्रुव महाराज गृहस्थ है, परीक्षित भी गृहस्थ है, अम्बरीश महाराज गृहस्थ, भरत महाराज गृहस्थ है, परीक्षित गृहस्थ है, ये कोई त्यागी संत नहीं है, ये कोई त्यागी नहीं। मतलब क्या, जहाँ तुम रह रहे हो, जो जहाँ रह करके रह रहे हो वहीं सही ठाकुर का भजन करो, जो जहाँ पर जितना भजन करेगा वो उतना बड़ा ही संत है। यहाँ पर शिक्षा देते हैं अगर भक्ति करना चाहते हो पहला जो गुण है क्या करो, सहन करो। हाँ ध्यान से सुनो माता है, एक सुंदरी कथा सुना। बोले एक समय एक सास बहू की इतने लड़ाई, घर में इतने लड़ाई, इतने में जो बहू थी ना वो परेशानी होकर के अपना पियर आ गई और घर में सबकी गाली देती थी। बोले बोले सास ये पिशाच भी है, ससुर ये तो राक्षस है, और जो ननद है ना ये तो डाहिनी है, इतने गाली देती थी। लेकिन घर टूट गया, आ गया कहाँ पर, उसने वापस आ गया अपना पीहर में। एक दिन एक संत को पास में गई, बोले बाबा हमारी ससुर घर में इतने लड़ाई झगड़ा में तो छोड़ करके आ गई,
वहां ठाकुर किसको ऊपर उठने मत दिया था, वहीं पर बैठो, सब वहां पर बैठ जाओ, कोई खड़े नहीं होना। इसलिए देखो अच्छे तरह सुनो, सब ध्यान देकर के बोले, बड़ी लड़ाई झगड़ाई बड़े अशांति है। संत ने कहा देख तुम्हारी घर को हम अच्छे तरह से बैठा देंगे, सारे लड़ाई झगड़ा तुम्हारी शांति हो जाएगी और सारे घर का जितने दायित्व तो, परिवार का दायित्व तो तेरे ऊपर आ जाएगी, एक दिन घर संपूर्ण तेरे मुट्ठी में आ जाएगी, लेकिन मैं एक दवा दूंगा, ये दवा तो तुमको लेना पड़ेगा। बोले बाबा बताओ। तो बाबा ने क्या क्या कुछ पाउडर दे दिया। बोले देख जब तुम्हारी सास ससुर कहते सास और भोग जब घर में लड़ाई होगी ना, एक काम करना इसको थोड़ी सी तो मुंह में डाल देना, इतना कर देना। अभी चली गई अपना ससुर घर चली गई तो आपको पता होगा सास बहू में बड़ी लड़ाई होती है, क्योंकि सास एक बोले ससुर बहू दो थे चार, घर में महाभारत है। इतने में संत ने जो पाउडर दिया था बोले देखो उसको मुंह में डाल देना, और डालते ही ना मुंह और खोले नहीं, सांस बोलते जाए मुंह और खोले नहीं। लड़ाई कब होता है? जब एक दूसरे से बात करता है, एक सुनाए दो चार तभी लड़ाई होता है। ताली दोनों हाथ से बजती है ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। अभी तो एकदम मुंह बंद, सांस बोली इसको क्या हो गया, पहले तो एक सुनाए दस सुनाया करती थी, ये अभी तो चुप हो गई। लेकिन जब जब घर में लड़ाई हो ना तब तक वो पाउडर मुंह में डाल दे, मुंह बंद। 5 दिन में घर का जो परिस्थिति एकदम वैकुंठपुरी जैसे बन गया, भगवान की धाम बन गया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। सास बोली इसका ये क्या हो गया, ससुर बोले बहू को क्या हो गया, आश्चर्य क्यों कुछ बोले ही नहीं, बोले इतने बदलाव कैसे आ गए। फिर 5 दिन जिन बीत गया ना, 6वां दिन में सास इतने खुश हो गई, ससुर जितने घर का चाबी काटी था ना, बोले आज तू ये संभाल, और दूध का जो पैसा सब्जी का पैसा तू ले, सारे काम को तू कर। 15 दिन में घर एकदम वातावरण शांति। एक दिन इसका हाथ में सब कुछ इसको हाथ में आ गई। इतने में वो संतों के पास में गए, बोले बाबा तो 1 महीना के लिए पुरिया दिया था, लेकिन 15 दिन में तो सारे काम हासिल ही हो गया, पूरा घर का वातावरण खत्म, पूरा के पूरा घर इसके हाथ में आ गई। बोले बाबा आपने ऐसे क्या जादू टोना दी, मंत्र दी, जो हमारी सारे चाबी काटी मेरे को दे दिया, सबके साथ सारे मेरे हाथ में आ गई, पूरा घर में लड़ाई झगड़ा नहीं। संत ने कहा देखो मैंने कोई तुमको जादू थोड़ा कोई तेरे को कोई मंत्र नहीं दिया, वो जो पुड़िया दिया था ना वो था पाउडर, जिसको मुंह में डालो तो बात नहीं कर सकती हो। लड़ाई कब होती थी? जब एक दूसरे से बोले। ये जुहा जितने गड़बड़ी का कारण है, आप बताओ ये महाभारत क्यों हुई थी? द्रौपदी ने इतनी सी बात बोल दी, अंधा का बेटा अंधा होता है, केवल इतने शब्द के कारण ये पूरी की पूरी महाभारत हो गई। रामायण क्यों हुई? सीता मैया ने इतनी सी लक्ष्मण को बोल दी, जब वो मारीच ने हिरण बन करके आए और सीता बोले हिरण को पकड़ कर ले आओ, और रामचंद्र चले गए। इतने में वो तो था मारीच, जब पकड़े में नहीं आए राम, जब बाण मारे इतने में मारीच ने बोले भैया लक्ष्मण। सीता बोले लक्ष्मण तेरे भैया के ऊपर कोई विपत्ति पड़ी? बोले नहीं भैया के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। बोले ना नहीं तू जा अपना भैया को रक्षा करो। बोले नहीं मेरे को प्रभु राम बोल कर गए यहाँ से आपको छोड़ कर नहीं जाने के लिए। इतने में सीता इतनी सी बोल दी, बोले अभी मेरे को पता चला तू क्यों साथ में आया था, तू ये सोचते हो राम मरेगा तो तू मेरे को शादी करोगे। तेरे लक्ष्मण क्या मानती थी माता को, सती सीता को अपना माँ, अगर ये माँ अगर ये शब्द बोले लक्ष्मण, इतनी सी बात से लक्ष्मण चला गया। बोले देखो माता एक काम करना, मैं ये लक्ष्मण रेखा को काट करके जा रहा हूँ, इसको कभी भी तुम पार नहीं करना, इतना काम करना। लेकिन उसने क्या किया, माता जी उनको वहीं पर रोक दो, वहीं पर बैठा हुआ बैठो वहीं पर। इसलिए उन्होंने गड़बड़ी किया है। देखो माता ये चीज को ध्यान देकर सुनो, ये बहुत बड़ा तो मंत्र है। सीता ने इतनी सी केवल बोल दी तुम मेरे को शादी करना चाहते हो, पहले तो जिहा चलाई। दूसरे ने किया कि लक्ष्मण ने जो रेखा काट कर गया था ना मैया, सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार कर गया, और रावण ने क्या किया आया और उठा करके ले गया, बस पूरा रामायण हो गया। यहाँ पर माताओं को शिक्षा देती हैं, भैया ये जुहा चलाया मत करो, जितने सारे लड़ाई झगड़े का कारण ये जुहा चलाना,
और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल जिहा को बंद करके रखो जो सहे सो रहे। ये कपिल देव कह रहे हैं माँ को, बोले माँ जो सहे सो रहे। अगर कोई भक्ति करना चाहते हैं, सबसे पहला गुण है सहन, तितिक सब सहन शक्ति। और सीता माता ने और क्या की, लक्ष्मण रेखा को पार किया, मतलब मर्यादा रेखा को पार किया, तो रावण क्या किया, उठा करके ले गया। इसलिए यहाँ पर कहती है माताओं को अपना मर्यादा में रहो, नहीं तो रावण उठा करके ले जाएगा। आप बोलोगे भैया रावण तो त्रेता युग में था, ये कलयुग में रावण कहाँ से आ गया, भले वहां पर तो एक रावण था, अभी घर घर में रावण है और गली गली में सब रावण रावण घूम रहे हैं, देखना गली गली में रावण घूम रहे हैं। अगर लड़कियां अगर कहीं अपना मर्यादा रेखा को उल्लंघन करोगे ना, बस रावण उठा कर ले जाएगा तुमको फिर। इसलिए अपना मर्यादा में रहो, जीवा को मत चलाया करो। ये भगवान कपिल देव कह रहे, बोले माँ अगर भक्ति करना चाहते हो सर्वप्रथम सहन शक्ति, जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो ना सहे, ठीक है। इसलिए बड़ी अच्छी अच्छी ज्ञान बताए, बोले माँ भगवान की भजन करो, भक्ति करो। फिर उन्होंने संतों की और एक लक्षण बताया, आप भी अच्छे तरह सुनो। उन्होंने संतों के 26 लक्षण बताया, एक तो विशेष और 25 साधारण है। कि संतों का जो भक्ति, जो प्रभु का भजन करना चाहते हैं, उनका एक विशेष लक्षण है, बोले मई अनन्न भावेन भक्ति कुर्वन्ति जय दृढ़। कहते माँ संतों का एक विशेष लक्षण है, अच्छे तरह से समझे इसको, ये भगवान कह रहे हैं माँ को, बोले मई अनन्न रूपेण भक्ति, भक्ति जो होनी चाहिए एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए, बहुनिष्ठ भक्ति नहीं होता है। आज हम क्या करते हैं, सोमवार होगा तो शंकर जी के मंदिर में जाएंगे, बम बम करके पानी चढ़ाएंगे, बोलेंगे शंकर जी तन मन धन तेरे चरण में, तू मेरे लाज रख। लेकिन जब मंगलवार आएगा ना, शंकर जी की तरफ में देखेंगे नहीं, वो सीधा हनुमान जी के पास में जाएंगे। अब जो बात शंकर जी को बोल रहे थे वही बात हनुमान जी को बोलेंगे। शंकर जी सोचते ही तो बड़ा धोखेबाजी, कल तो ये मेरे पास में आकर के बोल रहा था धन मन तन तेरे चरण में, आज तो मेरे को पूछा ही नहीं, वो सीधा हनुमान जी को मंदिर में गया वही बात कह रहा है। तीसरे दिन आया बुधवार तो गणेश जी के पास में गए, पंचमा दिन आए तो कल लक्ष्मी को पास में। भैया इसको भक्ति नहीं करते, अब देवताओं को थोड़ी धोखा दे सकते हो, सब जानते हैं हैं। इसलिए भक्ति एकनिष्ठ होनी चाहिए, जैसे हनुमान जी। आप बताओ हनुमान जी के इष्ट कौन थे, भगवान राम, राम थे भगवान। आप बताओ श्री मीरा जी किसको भक्ति करती थी, मेरा गिरधर गोपाला दूसरा न कोई, सूरदास जी मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कृष्ण को गोपियां कृष्ण को। आप देखोगे जो जिसको भक्ति करते ना, वो एक होकर एकनिष्ठ होकर भक्ति करते थे, तब भी जा करके उनको सिद्धि हुई। क्योंकि मन है ना हमारी 10-20 मन नहीं है, मन हमारी एक ही मन है। जैसे पतिव्रता नारी किसको कहते हैं, जिसकी पति एक पति, जिसका अपना पति को ही हृदय में बैठा है और पति को ही तन मन सब कुछ पति को दे दे, वही तो सती व्रती है ना, पतिव्रता नारी। भगवान कहते जो भक्ति है एक पतिव्रता नारी की धर्म भक्ति है, पतिव्रता नारी की धर्म है भक्ति। इसलिए एकनिष्ठ होकर के हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, बहुनिष्ठ होने से सिद्धि। जैसे कोई पढ़ाई करता है इंजीनियरिंग, कोई डॉक्टर, कोई साइंस पढ़ता है, देखना कोई एक सब्जेक्ट को लेकर पढ़ता है तब भी जाकर उसमें सक्सेसफुल होता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं एक साधे बहु साधे, एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए, जो सब साधे सब जाए। क्योंकि मन एक ही है, दो नाव में प्यार देखो तो बीच में डूबकर मर जाओगे। इसलिए भगवान कहते बोले माँ बोले मई अनन्न भावे न भक्ति कुर्बंती जय दृढ़ाम, जो दृढ़ पूर्वक एक निष्ठ होकर मेरी भक्ति करती है वो मेरे को भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमें जो वांके बिहारी जो कृष्ण है ना भगवान, कल मैं बता रहा था ना भगवान विराट रूप दिखाया, अर्जुन तू देख मैं कौन हूँ, मेरे अंदर में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड मेरे में, जिसको शंकर कहते देखो शंकर मेरे में, जिसको माता कहते तो माता मेरे में, जिसको गणेश कहते तो गणेश मेरे में, हे अर्जुन मेरे को छोड़कर कोई परतत्व नहीं। जब भगवान कृष्ण को प्रणाम किया सबको प्रणाम हो गया, क्योंकि जा पर कृपा हरि की हुई त
ता पर कृपा करे सब कोई, जिसको ऊपर में हरि की कृपा हो गई 33 करोड़ देवता उसको ऊपर खुश हो जाते हैं। हाँ, हृदय में तो गिरधर गोपाल को बैठा हो, लेकिन सबको सम्मान दो, किसको असम्मान मत करो। जैसे उदाहरण दिया, घर में जब एक लड़की आती है, उसको सास भी है, ननंद भी है, देवर भी है, सबको सेवा करती कि नहीं, सबको आदर करती कि नहीं, सबको आदर करती है, लेकिन हृदय में किसको बैठा कर रखती है? अरे बोलो, हृदय में किसको बैठाते हो? पति को। हृदय में और किसको स्थान नहीं देता? अगर कोई घर में लड़ाई हुआ तो किसको लेकर अलग हो जाती हो? पति को लेकर के। लेकिन सबको आदर करती कि नहीं? सबको आदर करती है। इसलिए शंकर जी कौन है? शंकर जी भगवान के सबसे परम भक्त श्री भोले बाबा, इसलिए उनको गुरु रूप में उनसे भक्ति मांगो। माँ देवी कौन है? ये वैष्णवी है, हैं? इनकी कृपा से भक्ति मिलती है। हनुमान जी कौन है? राम के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। गणेश जी कौन? भागवत को लिखे कौन? व्यास देव बोले गणेश जी लिखे हैं इसको। इसलिए इस देवादेवी कहीं मंदिर है उनको प्रणाम करो, उनसे भक्ति मांगो, उनकी प्रेम मांगो। ठाकुर के चरण हमें भक्ति दो, ये सब के सब गुरु जी है सब, इनकी कृपा से ही भक्ति मिलेगी। अब रामचरितमानस पढ़ करके देखो, जब गोस्वामी जी रामचरितमानस लिखते हैं, शंकर पार्वती को गुरु रूप में वंदना करते हैं, इसलिए इनकी कृपा से भक्ति मिलती है। इसलिए इनसे भक्ति मांगो, इनसे गुरु मांगो। लेकिन जो इष्ट है ना हृदय में, ये कन्हैया को हृदय में, ये कन्हैया को बांके बिहारी को हृदय में बैठा के रखो। हृदय में और किसी को स्थान नहीं देनी चाहिए। ठाकुर जी स्वयं ये बात को कहते हैं, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। इसलिए भगवान माता जी को बड़े बड़े दिव्य दिव्य ज्ञान प्रदान की। माता जी ज्ञान प्राप्त करके सारे बंधन खत्म हो गई, और भगवान ये ज्ञान देकर चले गए कहाँ पर? गंगा सागर में चले गई। जब मकर संक्रांति आती है ना, गंगा सागर में लाख करोड़ लोग स्नान करने जाते हैं। वहां पर साल में एक बार श्री भगवान श्री कपिल देव का एक बार ठाकुर को दर्शन मिलता है। बोले श्री कपिल भगवान की जय, जय श्री राधे। आज भगवान श्री वामन देव जन्म होने वाले हमारे श्री श्यामानंद प्रतिमा के ऊपर। श्यामानंद प्रभु जी, आपको वामन देव कैसे प्रकट हुए है? भगवान कैसे श्री बलि महाराज को ऊपर कृपा की? अभी श्री वामन देव प्रकट होंगे, उसको बाद में श्री हमारे श्री भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जन्म लेंगे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री नंद के लाला की जय, जय श्री राधे। हाँ देखो, आज तो कृष्ण जन्म लेंगे, कल श्री राधा रानी जन्म लेंगे। आज कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आए हो? अरे बोलो, पीली रंग। कल श्री राधा रानी किशोरी जी जन्म लेगी, कल सबके सब आप लोग गुलाबी रंग के साड़ी पहन करके आना। बोले क्यों? जो गुलाबी रंग है ना, ये प्रेम का रंग है, ये अनुराग का रंग है। राधा रानी कौन है? प्रेम स्वरूपिणी श्री राधा रानी। इसलिए राधा रानी का जो चुंदरी का रंग है ना गुलाल, जैसे हम होली खेलते हैं ना, आज ब्रज में होली रे रसिया, जो गुलाल रंग है वो अनुराग का रंग, प्रेम का रंग। जैसे राधा रानी कृष्ण को ऊपर में, कृष्ण राधा रानी को ऊपर में गुलाल फेंकती, गुलाल नहीं, राधा रानी अपना प्रेम से कृष्ण को, कृष्ण अपना प्रेम से श्री राधा रानी को भिगो देती है। कल आप लोग गुलाल रंग के साड़ी पहनना, मतलब है राधा जी की रंग में, गोपियों की रंग में अनुराग का रंग से ही ढक करके आना शरीर को। देखो हमारे जो कपड़े के, देखो कौन सा रंग है, ये कौन सा रंग? ये गुलाल रंग है ना, गुलाबी रंग। क्यों? ये संतरी रंग क्यों पहनते हैं? ये जो रंग है ना प्रेम का रंग है, ये रंग प्रेम का रंग है। इसलिए हम लोग राधा कृष्ण का प्रेम को द्वारा शरीर को हम लोग ढक कर रखते, इसलिए ये रंग का बड़ा महत्व है, ये रंग की बड़ी महत्व है। इसीलिए कल सबके सब इसी रंग में रंग करके आना, मतलब राधा रानी के रंग में। आज तो देख रहा हूँ कुछ माताएं इसी रंग का साल भी ओढ़ करके सबके आए, ठीक है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान वामन देव की कथा सुना, वामन देव को तैयार करो भैया, वामन देव को तैयार करना, तैयार है, ठीक है? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै शिवगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च
पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्तवृंद। सब एक बार हाथ उठा के मेरे साथ बोलिए, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार बोलिए, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोदश शतसी श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु कृपा वंशा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग स्वपार्थ सपरिकर गौर नित्य प्रभु राधा गोविंद जी के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णवी भक्त वृंद माताएं समस्त चरण में अधम का यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। जिस समय समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के समय भगवान ने देवता के ऊपर बड़े कृपा की। इतने कृपा आज तक कभी देवता के ऊपर किए नहीं। बोले चार चार अवतार लिए। पहले तो हरि रूप धारण किए और मद्राचल पर्वत को अपने बाम भुजा में उठा करके समुद्र के बीच में स्थापन कर दिए। अब जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ, मद्राचल जैसे ही डूबने लगा तो भगवान कश्यप रूप धारण किए। बोल कश्यप भगवान की। कश्यप रूप धारण करके मद्राचल को अपने पीठ पे विराजमान कर दिया। और जैसे ही वहां पे समुद्र मंथन हुआ, बहुत सारे दिव्य रत्न, दिव्य घोड़े, दिव्य ऐरावत, दिव्य चांदी, दिव्य वृक्ष, दिव्य पुष्प और महालक्ष्मी प्रकट होते हैं। और अंतिम में विष भी प्रकट हुआ, जिसको भगवान ने शिव जी ने कंठ में धारण करके नीलकंठ बन गए। और बाद में भगवान धन्वंतरी रूप धारण करते हैं और अमृत लेके प्रकट होते हैं। अब अमृत देख के देवता और असुरों में लड़ाई हो गया कि अमृत कौन पान करेगा, अमृत किसको मिलना चाहिए। अब इतने में भगवान बड़े सुंदर मोहिनी रूप धारण करते हैं और मोहिनी रूप धारण करके देवता को तो अमृत पिला दिया और असुर को क्या पिलाया, सुरा मदिरा पिला दिया। असुर बेचारे ठग गए। अब जैसे ही पता चल गया तो भगवान ने अपने विराट स्वरूप को धारण करके राहु नामक दैत्य को चक्र से उसका सर और धर को अलग कर देते हैं। अब इतने में भगवान सारे देवता को अमरत्व प्रदान कर देते हैं। सारे देवता अमर बन जाते हैं और सारे देवता अमर बनने के बाद अब असुरों के साथ लड़ाई करते हैं। देवासुर संग्राम हुआ और इतने में इंद्र भयंकर अस्त्र शस्त्र चलाने लगे, सारे असुरों को मार डाले। जितने असुर थे सारे असुरों को मार डाले। अमर तो हो ही चुके थे अमृत पी के और युद्ध किया तो सारे असुर मारे गए। अब जितने भी सारे असुर मारे गए, अब असुरों के गुरु कौन है, ये शुक्राचार्य दैत्य गुरु। शुक्राचार्य के ऊपर बड़ी कृपा, शुक्राचार्य को देख के बड़े दया आ गया कि मेरे ही शिष्यगण सारे चले गए। तो शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या प्राप्त थी, तो संजीवनी विद्या के द्वारा ले पानी हाथ में और छिड़क दिया असुरों के ऊपर। जैसे ही असुर के ऊपर छिड़क दिया, सारे असुर पुनः जीवित हो गए। बलि महाराज प्रणाम करने लगे शुक्राचार्य को, बोले गुरुदेव आपने तो बचा लिया, आपकी कृपा से तो हम बच गए, वरना ये देवता तो हमारे प्राण ही ले लिए थे। अब बताइए हम क्या करेंगे, बदला लेंगे। तो शुक्राचार्य तो सब जानते हैं, गुरु हैं तो सब कुछ जानते हैं। बोले ऐसे नहीं बदला ले सकते हो, इस समय वो अमरत्व प्राप्त कर चुके हैं तो तुमको कोई विशेष शक्ति का आवश्यक होगा। बोले क्या शक्ति, बोले ब्राह्मण का आशीर्वाद। तो दैत्यों को क्या पता ब्राह्मण को कैसे, ब्राह्मण का आशीर्वाद कैसे मिलता है। तो बलि महाराज पूछने लगे क्या करना होगा। तो शुक्राचार्य बोले अरे ब्राह्मणों को प्रसन्न करना बड़ी देर की बात नहीं है, चकाचक मालपुआ खिलाओ, मिठाई रसगुल्ला रबड़ी खिलाओ और हाथ में प्रणामी पकड़ो, तब ब्राह्मण बोलेंगे कृष्णो करो तो कल्याणम कंस कुंजर केसरी कालंदे जल कुलालम कोलाहलम कृतुहलम सुस्ती वाचन करके आशीर्वाद देंगे। बलि महाराज बोले जो आज्ञा गुरुदेव। अब ब्राह्मण के पास गए और सारे ब्राह्मण को आसन बासन रासन फिर व्यसन, पहले आसन दिया, फिर उन ब्राह्मण को प्रणाम करके ब्राह्मण को चकाचक भोजन दिया और भोजन देके फिर
ब्राह्मण को दक्षिणा दिया तो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए असुरों के ऊपर और प्रसन्न होके इतने आशीर्वाद बरसाया, इतने कृपा बरसाया, स्वस्ति वाचन करने लगे ब्राह्मण, असुरों के लिए बड़े बड़े यज्ञ करने लगे और हवन करते ही उसी हवन से दिव्य रत्न, दिव्य कुंडल, दिव्य आभूषण, दिव्य वस्त्र सब आदि प्रकट हो गया। सारे के सारे चीज बलि महाराज दैत्य को दे दिया। अब बलि महाराज बलवान हो गए। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य बोले अब सही समय आया है, अब सही समय आया है, इसी समय अगर हम युद्ध करेंगे स्वर्ग पर तो निश्चित ही हमारा ही जीत होगा, क्योंकि अभी ब्राह्मणों की हमारे ऊपर कृपा है और ब्राह्मणों की कृपा के ऊपर तो भगवान भी हाथ ऊपर कर देते हैं और कोई सामने आएंगे ही नहीं। तब बलि महाराज जी को दिव्य रत्न, दिव्य आभूषण धारण करके बड़े बड़े दिव्य चमत्कार अस्त्र कवच सब धारण किए और हवन से दिव्य प्रकट हुआ एक रथ में बलि महाराज बैठ गए। प्रहलाद महाराज नृसिंह देव के अक्षय माला को प्रदान करते हैं जो कभी मुरझाता नहीं और बलि महाराज स्वर्ग की ओर युद्ध करने गए। अब देव गुरु बृहस्पति देवता को बोलते भाई तुमको भागने में ही भलाई है, अगर तुम नहीं भागोगे तो बच नहीं पाओगे क्योंकि ब्राह्मण के सामने तुम्हारा कोई अब रक्षा नहीं कर सकता। इस समय समय प्रतिकूल है, इसलिए भलाई ये है कि यहाँ से भाग जाओ। अब सारे देवता बोले अब भला भागने में ही भलाई है, हम तो जीत भी नहीं सकते। अब देवता बेचारे भाग गए और जैसे ही बलि महाराज स्वर्ग पे गए तो सारे देवता भाग चुके थे, स्वर्ग खाली है, स्वर्ग के सिंहासन पे बैठ गए, बड़े प्रसन्न हुए। अब इतने में दैत्य गुरु शुक्राचार्य बोलते हैं देव बलि ब्राह्मण का आशीर्वाद मिल गया, अब ब्राह्मण तुम्हारे ऊपर बड़े प्रसन्न है, अब कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब देखो स्वर्ग के सिंहासन में भी बैठ गए, जो चाहते थे वो हो गया। अगर इसको पूर्ण रूप में अगर पाना चाहते हो तो सतक्रतु कृणम हवः, सतक्रतु हवन करना पड़ेगा तुम्हें, 100 यज्ञ करना पड़ेगा और फटाफट यज्ञ करो और पूरा का पूरा लाइफ टाइम के लिए स्वर्ग तुम्हारा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, कोई जय कोई है कह रहे, बोल भक्तवत्सल भगवान की। पूर्ण रूप में क्या होगा, ये स्वर्ग तुम्हारा हो जाएगा। बलि बोला जो आ गया गुरुदेव, तुरंत जाके नर्मदा नदी के तट पे भृगुकच नामक एक स्थान पे बलि महाराज बड़े बड़े यज्ञ करने लगे, बड़े बड़े हवन करने लगे, ब्रह्मा उद्गाता और उसमें विशेष करके जो जजमान और सारे के सारे स्वयं बलि महाराज यहाँ जजमान हुए, बड़े बड़े ब्राह्मण के द्वारा हवन करने लगे। अब इतने में ये हवन देके कश्यप ऋषि के जो पत्नी ये अदिति माता, कश्यप ऋषि के दो पत्नी दीति और अदिति, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अदिति माता बड़े दुखित हो गए और दुखी होके बोलते हैं कि मेरे पुत्र स्वर्ग छोड़ के, क्योंकि इनके देवता के माता है तो ये बोल रहे हैं कि मेरे पुत्र स्वर्ग छोड़ करके कहाँ कहाँ भटक रहे हैं और भटकते भटकते कहाँ कहाँ जा जाके बिना कार्य करते हुए अपने स्वर्ग को छोड़ करके बड़े कष्ट पा रहे हैं, तो हे कश्यप ऋषि आप कृपा करके कोई ऐसा एक साधन बताइए। तब कश्यप ऋषि ने बड़े दिव्य ज्ञान दिया, फिर भी अदिति माता को पुत्र का मोह था इसलिए बोले कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो बोले एक काम करो, बोले पयोव्रत साधिताम तया, पयोव्रत करो। बोले कब किया जाता है, फाल्गुनम द्वादशी शुक्लम पयोव्रतम तदाकुर्येत, फाल्गुन में किया जाता है। अब फाल्गुन में किया जाता है, किस प्रकार का किया जाता है, विधि क्या है, बोले 12 दिन तक केवल दूध पी के रहना पड़ेगा और ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा, नित्य पवित्र पुष्करिणी तीर्थ में स्नान करना पड़ेगा और निरंतर भगवान का नाम जप करते हुए, निरंतर भगवान का चिंता स्मरण करते हुए ये व्रत को करो तो निश्चित रूप में फल प्राप्त होगा। अब अदिति माता प्रयोग व्रत करने लगे और 12 दिन पूरा हो गया, और 12 दिन पूरा हो गया तो भगवान प्रकट हो गए, किरीटिनां कुंडलीनां लशत पुष्करमालिनां दिव्यं चतुर्भुजं रूपं शशांकं श्रीरथं कृता, बड़े सुंदर चतुर्भुज स्वरूप है भगवान का, किरीट धारण किए हैं, बड़े सुंदर मुकुट धारण किए, कुंडल धारण किए हैं, दिव्य आंख ठाकुर जी के कमल लोचन है और ठाकुर जी प्रकट हो गए। अब अदिति माता प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं मैं सब चीज जानता ही हूँ, मैं ही तुम्हारे घर में गर्भ में पुत्र बन के आऊंगा इस बात का समाधान करने के लिए। अब भगवान अंतर ध्यान हो गए, समय हुआ
और भगवान श्रोणियाम सुत्रियाम द्वादशी ही अभिजीत मुहूर्तम प्रभु। द्वादशी के भाद्रव महीने के द्वादशी में अभिजीत मुहूर्त यानी सूर्य चंद्र जितने भी नक्षत्र सब अनुकूल नक्षत्र में है और सबके सब नक्षत्र जिस समय भगवान को मानो स्वागत कर रहे हैं और मध्यान्ह के समय ठीक 12 बजे अदिति माता के गर्भ से भगवान वामन देव प्रकट हो गए। बोलो भगवान वामन देव की, बोलो भगवान वामन देव की। अब भगवान वामन देव प्रकट हो गए, देखते ही 5 साल के बालक बन गए। अब ब्राह्मण है, 5 साल में विधि है उपनयन संस्कार करने के लिए। पहले तो हमारे भारत में बहुत सारा संस्कार था, किस नामकरण संस्कार, जन्म होते हुए चुड़ाकरण संस्कार, अन्न प्राथम संस्कार, लेकिन आजकल ना नामकरण संस्कार रहा, ना चुड़ाकरण संस्कार, ना कुछ भी संस्कार नहीं रहा। एक संस्कार बाकी था, अंतिम संस्कार हो गए, कोरोना ने छीन लिया। ऑनलाइन देख लो, अंतिम संस्कार हो रहे। तो पहले बहुत सारा संस्कार था, तो उसमें जो द्वादश संस्कार है उसमें एक संस्कार जनेऊ संस्कार, यज्ञ पवित्र संस्कार। तो ब्राह्मण देव का यहाँ पे यज्ञ पवित्र संस्कार होता है, सारे देवता के पुष्प वृष्टि करते हैं, शंख वादन करते हैं, दुंदुभी आदि वादन करते हैं, स्वर्ग के अप्सरी नृत्य करते हैं और वहाँ पे भगवान का जनेऊ संस्कार होता है। और देव गुरु बृहस्पति स्वयं गुरु हैं, इसलिए उन्होंने जनेऊ संस्कार किया, उन्होंने ब्रह्म यज्ञ पवित्र वामन देव को दिया। अब जनेऊ संस्कार में नियम है सबको कुछ ना कुछ देने का। अब वहां पे जक्षराज कुबेर थे, उन्होंने दान पात्र दे दिया। अब दान मांगने चले बलि भगवान वामन देव, जैसे ही दान मांगने गए तो वहां पे आकाश, वहां पे छत्र प्रदान किए, पृथ्वी माता उनको कठोर प्रदान किए और वहां पे जितने भी सप्तऋषि गण थे उनको कुश प्रदान किए, इंद्रादि देवता आदि उनको वस्त्र प्रदान किए और उनके माता पिता उनको कौफीन आदि डोरी प्रदान किए और चंद्रमा उनको दंड प्रदान किया और ब्रह्मा उनको कमंडल प्रदान किए, सरस्वती उनको अक्षमाला प्रदान करते हैं और स्वयं अन्नपूर्णा देवी उनको भिक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार भिक्षा कर करके सारे भिक्षा को लेके नियम है गुरु जी के चरणों में देने का, इसीलिए सारे भिक्षा को लेके गुरुदेव के चरणों में लेके वामन देव दे दिए। बोले गुरुदेव अब क्या आ गया है, तो बृहस्पति बोलते हैं देखो वामन देव इतने में नहीं चलेगा, आपको और एक कार्य करना पड़ेगा। बोले क्या कार्य, नहीं आपको स्वर्ग की जो सिंहासन उसको बलि से छीन करके लाना पड़ेगा, उसको दान में लेना पड़ेगा आपको। बोले जो आ गया गुरुदेव। अब दिव्य रूप धारण करते हुए भगवान वामन देव, तम बटुक वामनम दुष्टा मोद माया मन श्रियम गच्छताम भ्रु गच्छम स्थानम बलिदानम दतो यथा। बटुक वामन रूप धारण करके दिव्य ब्रह्मचारी तेज है, हाथ में छतरी पकड़े हुए हैं, एक हाथ में कमंडल पकड़े हुए हैं और भगवान वामन देव बामन बामन अंगुष्ट जत्र, उनके शरीर 52 अंगुष्ट से है पृथ्वी से लेके, और भगवान नर्मदा नदी के तट पे उसी भृग कच्छ स्थान पे जहाँ पे बलि महाराज यह हवन कर रहे थे वहां पे प्रकट हो गए। अब दूर से जैसे ही देखा कि कोई एक दिव्य ब्राह्मण ब्रह्मचारी आ रहे हैं तो बलि महाराज तो बड़े प्रसन्न हो गए, क्यों यद्यपि राक्षस है फिर भी ये प्रहलाद महाराज जी का वंशज है, इसलिए बड़े प्रसन्न हो गए। अहो धन्यम, आज तो मेरा क्या ये हवन सफल हो गया, क्योंकि हवन का जो मूल क्या है ना, ब्रह्मचारी ब्राह्मण आ गए मेरे घर पे इसीलिए ये यज्ञ सफल हुआ। उसमें 100 यज्ञों पूरा होने वाला था, बस अंतिम यज्ञ बाकी था और वहां पे भगवान वामन देव दान लेने के लिए चले गए और उसी समय बलि महाराज जी दौड़ते हुए आए, जितने भी ब्राह्मण थे वहां पे सभा में सब हवन में सब खड़े हो गए और भगवान वामन देव को स्वागत करते हैं। स्वागते तु महाभागम वामम करवामते, हे प्रभु आपका स्वागत हो, कृपया आप पाद्य ग्रहण करो, कृपया अर्घ ग्रहण करो, कृपया आप यहाँ पे पुष्पमाला ग्रहण करो, कृपया आप विराजो, हे प्रभु आपका बड़ा स्वागत हो। तत्पाद सोचम कली कलम नासहम, वामन देव के चरणामृत को सारे चरण धो लिए और उसी चरणामृत को पूरा पूरा ब्राह्मणों को दे दिया। बोलो वामन देव की जय।
चादर चादर वगैरह दो अभी दे देंगे ऐसे मान के जाएगा वहां वैसे भगवान मामले की जय। तब बलि महाराज जी को बलि महाराज जी पूछते हैं कि आप क्यों आए हैं प्रभु कृपा करो। तो बामन देव बोलते हैं मेरे तो मैं तो ऐसे ही ब्राह्मण हूँ भाई, सुना है बलि बड़ा बड़ा यज्ञ कर रहा है इसलिए देखने के लिए चले आए। तो बलि महाराज बोलते हैं ब्राह्मण और खाली ऐसे आ गए, कृपया आप शर्माओ मत, मुझे लग रहा है आप शर्म कर रहे हो, मुझे लग रहा है आप शर्मा रहे हो, आप शर्माओ मत। हाँ ओ ब्राह्मणी क्या है, जगत बोलते हैं शर्मा जी ओ ब्राह्मणी क्या है जो शर्मा जाए, आप शर्माओ मत, मांगो। काम कांचन गुणवात अथवा विप्र कन्या, काम गाय दे सकता हूँ, कांचन सोना दूंगा और बड़े बड़े अश्व दूंगा, घोड़ा हाथी और बड़े बड़े एक गांव दे सकता हूँ, बड़े दिव्य घर दे सकता हूँ। अगर आप बोलोगे बोने हो तो मैं आपके लिए इतने ही बटुक ब्राह्मण एक छोरी खरीद करके छोरी ढूंढ ढांड करके आपके लिए ले आऊंगा और शादी भी रचवा दूंगा, अथवा विप्र कन्या सब चीज दे सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं इस समय त्रिभुवन का राजा हूँ और मेरे पास सब कुछ है इसलिए मैं सब कुछ दे सकता हूँ। भगवान बोले देखो बलि मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, मैं तो ब्राह्मण हूँ। और सीधर पास सीधर गोस्वामी पास अपने टीका में बोलते हैं दातु तुष्टि स्वयं पुष्टि, दान लेने जाओ ना पहले दाता का थोड़ा गुणगान कर दो। अब भगवान बड़े बड़े बात कहने लगे, अरे बलि तुम तो बड़े दिव्य हो, मैंने सुना था तुम्हारे नाम पे, अब प्रत्यक्ष देख रहा हूँ और तुम्हारे वंशज योद्धा क्या कहना, तुम्हारे वंशज में हिरण्यक्ष हिरण्यकश्यप जैसे बड़े बड़े राक्षस बड़े बड़े तेज प्रतापी आए और तुम्हारे पिता विरोचन अपने आयु भी देके देवता को किस प्रकार का संतुष्ट किया था, इसलिए तुम निश्चित रूप में दे ही सकते हो। तब वहां पे इसी प्रकार का जब बात कहते हैं तो बलि महाराज बोलते हैं प्रभु आप निसंकोच होके कुछ मांगिए। तब इतने में बामन देव बोलते हैं संकल्प कर लो, इतने में बामन देव बोलते हैं संकल्प कर लो। तब जैसे ही संकल्प करने के लिए बोलते हैं प्रभु मैं संकल्प तो कर लूंगा, आप बोलो तो सही, आप कृपया करके बोलो तो सही, नहीं आप पहले संकल्प कर लो। तो संकल्प करने के लिए जैसे ही बोला तो यहाँ शुक्राचार्य को प्रकृति टेढ़ा हो गया, इतने संतोषी ब्राह्मण मैंने भी आज तक कभी नहीं देखा भाई, ये है कौन इतने संतोषी ब्राह्मण, आज भी मैंने भी बड़े बड़े ब्राह्मणों को देखा लेकिन इतना संतोषी नहीं देखा। शुक्राचार्य ध्यान में देखने लगे भाई कौन है ये। तो बामन देव समझ गए गुरुदेव कुछ गड़बड़ी करने वाले हैं, बलि को बोलते हैं देख बलि हम ब्राह्मण हैं, ज्यादा देर तक तुम्हारे घर नहीं रुकेंगे, त्रिसंध्या समय का स्नान करने का समय हो रहा है, तुम देना है तो दो नहीं तो मैं चला। अब इतने में बलि बोलता है प्रभु माफ करना, बोलिए संकल्प करता हूँ, हाथ में जल लिए शंख लिए, बोले ओम विष्णु 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 करके संकल्प लिया, नीचे जल छोड़ा, जैसे ही छोड़ने वाले थे वहां पे दौड़ करके शुक्राचार्य आते हैं, बोले बलि सावधान, हाथ को पकड़ लिया खींच लिया हाथ को, बोले क्या कर रहे हो तुम फिर से धोखा खा रहे हो, बोले ये देखो ये कौन है, बोले प्रभु बामन है, अरे ना बामन है ना त्रेपन है, ढंग से देखो ये कौन है, बोले कौन है ये, न कश्यपो अदिति जाता देवता कार्य साधिता, पिछले जो छोरी बन के आया था ना मोहिनी रूप धारण करके, अभी ये बूना बन के आ गया है तुम्हें ठगने के लिए, जैसे ही तुम संकल्प करोगे सारे त्रिभुवन के सारे चीज तुमसे छीन करके ले जाएगा, देखो ये कौन है ढंग से देखो। तब बलि महाराज वहां पे एक बड़े यहाँ शिक्षा प्रद बात है, बलि महाराज वहां पे बड़े सुंदर बात बोलते हैं, अगर बटुक ब्राह्मण है तो यहाँ से भिक्षा लेके चले जाएंगे, लेकिन अगर ये भगवान है तो क्या मेरा सौभाग्य है, ब्रह्मा शिव जी जिनके द्वार पे खड़े होके भिक्षा मांगते हैं आज वो भगवान मेरे द्वार पे खड़े होके हाथ पसार रहे, तो क्या मेरा अहो धन्य है अहो भाग्य है मेरा, इसलिए हे गुरुदेव मैं तो अभी दान दूंगा ही दूंगा। अब यहाँ पे बता रहे हैं भगवान को पाने के लिए तेजो बलि गुरु तुलसीदास गोस्वामी बोल रहे हैं बलि महाराज ने गुरु को त्याग कर दिया भगवान को पाने के लिए। अब क्या हुआ जैसे ही मना कर देते हैं तो वहां पे शुक्राचार्य बड़े क्रोधित हो जाते हैं, बोले अचराग भ्रष्ट ते श्रेय, तुम्हारे श्रेय भ्रष्ट हो जाओ तुम धनहीन हो जाओ। जैसे ही ब्राह्मण का आशीर्वाद था सारे ब्राह्मण का गुरु का जैसे ही श्राप मिल गया और बलि महाराज संकल्प कर नीचे जल छोड़े
तो भगवान बामन देव बोलते हैं ददानी त्रीणी दैत्यानी, मुझे तीन पार भूमि चाहिए, तीन पांव भूमि चाहिए। जैसे ही बोला गया तो भगवान ने अपने विराट स्वरूप धारण कर लिए, बड़े भयंकर रूप धारण करके, बड़े विराट स्वरूप त्रिविक्रम रूप धारण कर लिए, त्रिविक्रम तिनी भुवन तक जो विक्रम यानी बढ़ गया। तो बता रहे हैं कि विराट रूप धारण करके पहले चरण में तो भगवान स्वर्ग लोक तक, ब्रह्मा के लोक तक नाप के चले गए। इंद्र, इंद्र कहाँ रहते हैं? स्वर्ग लोक में रहते हैं और उसके कई ऊपर ब्रह्मा रहते हैं। तब बलि का शासन केवल स्वर्ग लोक तक था, लेकिन भगवान ने तो ब्रह्मा लोक तक भी आगे तक नाप लिए। और ब्रह्मा ने भगवान के चरण पादुका को देख के वहां पे स्तुति करते हैं और चरण धोत करते हैं। और दूसरे पग पे भगवान ने अतल बितल सुतल तलातल रसातल करके पाताल लोक तक नाप लिए। अब भगवान बोल रहे हैं, देख बलि, पहले लोक में तो मैं ऊपर का लोक सारे नाप लिया, दूसरे पाव पग में तो मैं नीचे का लोक नाप लिया, अब बताओ तीसरे पद रखूं कहां पे? जैसे ही इस बात को बोलते हैं तीसरे पद कहां रखूं, तो बलि महाराज बोलते हैं, बलि ने आत्मसमर्पण किया जो नवदा भक्ति है उसमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्य आत्मनिवेदनम, जो आत्मनिवेदन है ये बलि महाराज जी ने किया, भगवान को पूर्ण रूप में शरणागति हो गए। और बलि महाराज जी कह रहे हैं, देखो धन बढ़ना धनवानी बढ़, कौन बढ़? जो धनवान है, क्योंकि उसके पास धन रहता है। और बताओ दाता बढ़ाना दानीवर, जो दान देता है वो बड़ है, बड़ा है। तो बलि बोलते हैं, बलि महाराज बोलते हैं, प्रभु मेरे पास जितने संपत्ति था सब तो आपने ले लिया, लेकिन अभी तो मैं बाकी हूँ। आप ही स्वयं कहते हो गीता में कि इदम क्षत्रिय कौन्तेयम् शरीरम इति अभिधीयते, ये शरीर भी एक क्षेत्र ही तो है, आप ही तो स्वयं गीता में कहा है। इसीलिए आप कृपा करके मेरे सर पे आपके तीसरे चरण को रखो। तब भगवान ने बलि के ऊपर बड़े प्रसन्न हो गए और अपने तीसरे चरण को बलि महाराज जी को प्रदान किया और नीचे पाताल लोक तक सुतल लोक को बलि महाराज जी को प्रदान किया। अब जैसे ही सुतल लोक जाते हैं, बलि महाराज जी को बड़े प्रसन्न हो गए भगवान, और प्रसन्न हो गए बलि महाराज जी को बोलते हैं, बोलो बलि कुछ चाहिए तुम्हें बताओ? अब जिसको भगवान मिल गया है उसको और क्या चाहिए? हमारे सामने अगर भगवान प्रकट हो जाए तो हम सोचने लगेंगे, भाई हमें और क्या क्या चाहिए, सोच लू थोड़ा, बड़े लंबा लिस्ट लगा देते हैं। लेकिन जिसको भगवान चाहिए, जो निष्कल्प, जो निष्काम भक्त होते हैं, उनको कोई चीज का कामना नहीं रहता, किसी भी चीज उनको नहीं चाहिए। तब वहां पे वो बोलते हैं, प्रभु ये बटुक ब्राह्मण रूप, इस रूप को देख के मेरा मन मोह गया, मैं तो चाहता हूँ हर समय इस ब्राह्मण रूप को बस देखता रहूं। अच्छा मैं क्या तुम्हारे साथ खड़े खड़े हर समय रहते रहूं? बोले प्रभु मैं तो आपको दर्शन करना चाहता हूँ। बोले ठीक है बलि, इस समय मैं इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र हूँ और इस समय मेरा कर्तव्य है गुरु के गुरुदेव को ये स्वर्ग को सिंहासन लेके देना जो मैंने ले दे दिया, लेकिन जब तक तुम्हें अगले मनोन्तर तक अगर इंद्र के सिंहासन पे नहीं बिठा दूंगा तब तक तुमको सुतल लोक का राजा घोषणा कर रहा हूँ और तुम्हारे द्वार पे मैं द्वारपाल बन के रहूंगा। कितने दयालु भगवान, कहाँ आए थे बलि को बांधने के लिए, खुद बंध गए। कितने दयालु भगवान। तो बड़े दिन हो गया, कुछ दिन के बाद वैकुंठ खाली है। अब नारद जी के जब गए तो लक्ष्मी जी वहां इधर उधर घूम रहे हैं, ठाकुर जी है नहीं। अब जैसे ही नारद जी ने बोले प्रभु कहाँ है, मुझे भी नहीं पता। अब नारद जी को तो सब चीज पता है, खोज खबर करने के बाद पता चले कि बलि के यहाँ द्वारपाल हैं, प्रभु अभी बलि के यहाँ द्वारपाल के रूप में है। तो लक्ष्मी वहां देखने आ गए, बोले सचमुच प्रभु क्या द्वारपाल रूप में है क्या? लक्ष्मी जाके देखते हैं सुतल लोक में, सचमुच प्रभु द्वारपाल खड़े हैं द्वारपाल के रूप में। तब लक्ष्मी बोलते हैं, वो ऐसे तो नहीं चलेगा, वैकुंठ लोक तो खाली ही है, बिना प्रभु के द्वारा वैकुंठ सोवा ही नहीं पाता। लक्ष्मी बोलते हैं कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये बलि महाराज जी का नियम है, प्रत्येक दिन आनिक करने के बाद, संध्या करने के बाद ये दान देते थे, प्रातःकाल ये दान देते थे। तो जैसे ही इन्होंने दान दिया तो सारे ब्राह्मण लोग लाइन पे खड़े हुए, तो लक्ष्मी भी ब्राह्मणी के रूप धारण करके लाइन पे खड़ी हुई। अब लक्ष्मी जी आ गई, अब लक्ष्मी जी जैसे ही आ गई तो बलि महाराज बोलते, बोले क्या चाहिए माता, बोलिए क्या चाहिए आपको? लक्ष्मी जी बोलते पहले संकल्प करो। तो बलि महाराज बोलते पहले संकल्प किया तो अभी भुगत रहा हूँ ये है।
अब ये मिल गया, अब संकल्प करो। तो जैसे ही संकल्प, चलो कर ही लेता हूँ, संकल्प किया और जैसे ही संकल्प करने के बाद जल छोड़ दिया, लक्ष्मी बोलते हैं तुम्हारे जो द्वारपाल है ना उनको दे दो मुझे। बलि महाराज तो चरण में गिर गए और बोले आप और कोई नहीं हो सकते हो, आप साक्षात भगवती स्वरूपा लक्ष्मी हो, महालक्ष्मी वहां पे प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि बलि महाराज बोलते हैं चलो मैं आपके लिए फिर से ठाकुर को फिर से दान दे देता हूँ, आप ठाकुर जी को ले जा सकते हो। इस प्रकार बलि महाराज जी का ये अद्भुत चरित्र है और बलि महाराज जी के चरित्र से शिक्षा मिलता है कि बलि महाराज जी विशेष करके आत्मनिवेदन किए, आत्मनिवेदन यानी पूर्ण रूप में शरणागति, पूर्ण रूप में अगर भगवान के पास अगर शरणागति हो गई तो निश्चित रूप में भगवान हमारे प्रेम में बंध जाएंगे। ये कहकर मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बांछा बोलो भगवान वामन देव की हरे कृष्ण। अभी भगवान वामन देव आपसे दान लेने के लिए जाएंगे, नियम है ठाकुर को कुछ दान देनी चाहिए। आप लोग श्रवण कर रहे थे ना, सुदामा दो मटी चिड़वा दिया था ठाकुर जी, त्रिभुवन का राज्य दिए। अभी वामन देव जाएंगे भिक्षा लेने के लिए, आप लोग यथासाध्य अब ठाकुर जी भिक्षा लेंगे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे भगत भरे।
अस्वस्थ माने ब्रह्मास्त्र प्रयोग की, ठाकुर ने ही मेरे को गर्भ में बचाया, मैं तो केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए बैठा हूँ। जैसे श्री अगस्त ऋषि ने एक चूल भर में संपूर्ण समुद्र का पानी जैसे पान कर ली, आप तो एक श्लोक में पूरा के पूरा कृष्ण कथा का पान कर ली। कहते मेरे को तृप्त नहीं हुआ, मेरे को तृप्ति नहीं मिली। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, तू चार चार दिन हो गया एक बूंद पानी तक भी नहीं पिया है, अरे थोड़ा तो पानी पी ले। बोले प्रभु ये पानी के लिए तो जितना गड़बड़ी हुई है, क्योंकि ऋषि को पास में पानी मांगने गया, पानी नहीं दिया, गले में मरा हुआ सर्प डाला तो श्रृंग ऋषि ने अभिशाप दिया, सारे गड़बड़ी पानी के कारण है। आप फिर पानी की बात कर रहे हो, आपकी मुखचंद्र को दर्शन करते हुए जो दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा है, आपकी मुखार बिंद से कृष्ण कथा रूपी मंदाकिन की नदी जो बह रही है उसको पान करते करते मैं तृप्त हो रहा हूँ। प्रभु पानी की बात मत करो, कथा बोलते रहो, फिर तो प्यास लगेगी नहीं, कथा बंद होते प्यास लगने लग जाएगी। आप कथा बोलते रहो। अभी प्रश्न है, फिर यह सुखदेव गोस्वामी फिर उन्होंने क्यों एक श्लोक में पूरी भागवत कथा को क्यों सुना दी? एक उदाहरण दिया, जैसे जेठ की महीना हो, खूब गर्मी, कोई व्यक्ति बड़े दूर देश से आ रहे हैं, पानी के मारे छाती फटते हुए जा रहा है, किसने एक ग्लास सुंदर है पानी में थोड़ा मिश्री मिला करके, थोड़ा नींबू मिला करके एक ग्लास देगा तो क्या करेगा वो? ढक ढक एक साथ में पूरा पूरा पी लेगा। उसी तरह श्री सुखदेव गोस्वामी, ये सुखदेव गोस्वामी कौन है? बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबन एकांत कनन रहस्य पाटी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। ये सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण तोता नहीं, राधा रानी की निकुंज में रहने वाले श्री सुख, श्री प्रिया सुख राधा रानी की ये सुख तोता है, जो इनकी निकुंज में रहने वाले। कभी कभी राधा रानी इनको अनार की दाना खिलाया करती थी, कृष्ण नाम सुनाया करती थी, कभी कभी कृष्ण रूप मान करके उनको चुंबन करती थी। इसलिए ये कोई साधारण तोता नहीं। ये भी सोच रहे थे कब चौथा दिन आए, कब श्री जुगल सरकार की राधा कृष्ण की दिव्य कथाओं को मैं कब गान करूं। वो भी उनका हृदय भी कृष्ण विरह रूपी तृष्णा में फट रहा था, लेकिन जब देखा दशम स्कंध आने लग गया, कृष्ण लीला जैसे टीवी में सीरियल आता है, इनके हृदय में कृष्ण लीला उतरने लग गए। और उन्होंने क्या कि एक साथ में पूरा की पूरा एक श्लोक में पूरी कृष्ण कथा को गान करते हुए और उन्होंने श्री कृष्ण कथा समाप्त कर दी। लेकिन परीक्षित महाराज को परीक्षा भी कर रहे थे, बोले सचमुच से ये क्या कथा सुनने के लिए बैठा ना वैसे बैठा हुआ? इसलिए जब उन्होंने चार दिन में बोले थोड़ा पानी पी लो, बोले प्रभु पानी के लिए तो जितना गड़बड़ी, अब कथा सुनाओ। बस इसको सुन करके बड़े खुश हो गए, फिर तो उन्होंने पूरी की पूरी उन्होंने कृष्ण कथा सुनाई। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सुरजयो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। बोले श्रीमद् भागवत ने विशेष करके दो वंशावली कथा दी है, एक चंद्रवंश और एक सूर्यवंश। यद्यपि ये चंद्रवंश में बहुत राजा आए हैं, सूर्यवंश में भी बहुत राजा आए, लेकिन ये कृष्ण कथा जितने मधुर, प्रभु राम की कथा जितने मधुर, हमारी सनातन धर्म में जो विशेष करके जो भगवान दो हुए, कौन हुए हैं? एक श्री भगवान रामचंद्र हुए, बोले श्री सियावर रामचंद्र की, और एक भगवान कौन हुए? श्री कृष्ण कृष्ण चंद्र हुए, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो ध्यान देकर सुनो, हमारे जो धर्म है ना ये सनातन धर्म है, और जगत में जितने धर्मों को देखोगे सब निराकारवादी है, इनके मंदिर में कोई ठाकुर भागुर नहीं है, अब किसी धर्म का कोई ठाकुर भागुर नहीं है, लेकिन हमारी एक सनातन धर्म में देखो हर मंदिर में भगवान कृष्ण कहीं, भगवान राम कहीं, कहीं शंकर जी हनुमान जी दुर्गा, केवल ये सनातन धर्म में ही ये ठाकुर है। इसलिए कोई कोई कहते ना अरे भगवान तो निराकार, बोले नहीं भगवान निराकार नहीं, भगवान निराकार तो तू कहां से आता बता?
हम कहाँ से आते? निराकार मतलब जिसका कुछ है ही नहीं, जो कुछ है ही नहीं वहां से कुछ आ सकता है क्या? इसलिए भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है। जिसको ज्ञानी लोग निराकार कहते हैं, उपनिषद कहता है जद अद्वैत ब्रह्म उपनिषद तत्पश्य तनुभा। जिसको ये ब्रह्म कहते हैं, हमारी कृष्णा और राम इतने प्रकाशशील है, इतने तेजवान है, जिनकी शरीर की प्रकाश ही ये ज्योति रूप में, ये ज्ञानी लोग उसको उपासना करते हैं। लेकिन ये भक्त लोग तो अपना भक्ति योग का द्वारा भगवान कृष्ण को, भगवान राम को, भगवान श्री नारायण को उपासना करते। भगवान कभी निराकार नहीं है, नहीं तो निराकार होते तो कथा कहाँ से आती? राम कथा निराकार होता, आकार नहीं, इतने सुंदर रूप गुण लीला कहाँ से होता उनको? ये सुखदेव गोस्वामी पहले वो ब्रह्मवादी थे, लेकिन जब उन्होंने केवल कृष्ण की एक श्लोक सुने, कृष्ण हमारी कितने सुंदर है, सारे ब्रह्मवाद को छोड़कर उन्होंने भक्ति रस में आए। इसलिए हमारी सनातन धर्म, हमारे धर्म का नाम क्या है बोलो? क्या धर्म? हम लोग सनातनी है। सनातन मतलब क्या? जो था अभी है, जो बाद में रहेगा। इसलिए जगत में जितने धर्म को देखो, क्रिश्चियन धर्म अभी कितना चल रहा है? 2021 चल रही ना। इसका मतलब क्या? 2021 पहले धर्म तो था नहीं, वो 2021 से क्रिश्चियन आए। ये मुसलमान में देखो, वो भी 1500 रुपये। ये कोई धर्म, बौद्ध, कोई भी धर्म देखोगे, पहले धर्म था नहीं कहीं, ये कुछ दिन पहले ही ये धर्म आया। लेकिन हमारे जो सनातन धर्म, भागवत कहता है भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से सुखदेव, ये सत्य युग से ये धर्म हमारी आ रहे हैं। सत्य युग से जो जन्म हुआ, एक दिन मरेगा वो धर्म, लेकिन किसका जब जन्म नहीं हुआ कहां मरेगा? इसलिए हम जो धर्म में, कौन सा धर्म में हम लोग श्री सनातन धर्म में हैं। हम लोग सबके सब सनातन धर्म है। इसी धर्म को ही स्थापन करने के लिए भगवान युग युग में ठाकुर जी अवतीर्ण होते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। इसलिए हमारे भगवान श्री कति जो राम और जो कृष्ण है, इनकी जो सुंदर सुंदर जो लीला है, बड़ी प्यारी प्यारी लीला है। अभी कहते कृष्ण कथा कैसे है, बोले तीन गंगा है, एक गंगा है स्वर्ग में जिसका नाम मंदाकिनी, एक गंगा इसे मरते जगत में जिसका नाम भागीरथी, एक गंगा है पाताल में जिसका नाम भोगवती। इसलिए जैसे ये तीन गंगा ये तीन लोगों को पवित्र करती है, कृष्ण कथा भी तीन लोगों को पवित्र करती है, सुनने वाले, बोलने वाले और प्रश्न करने वाले। बोले कृष्ण कथा कैसे है? बोले निवृत तसई रूप गीय मना भव अवसत्र मनोभिरामात कहा उत्तम श्लोक गुणान बदात पुमान भिरज्यत बिना पशुना। अगर कोई भवसागर से पार होना चाहते हैं, सबसे मीठा दवा क्या है? बोले भगवान की कथा। आप कथा सुनते सुनते, इसलिए परीक्षित महाराज कुछ भी नहीं किया, बस कथा सुनते सुनते ही भगवत लोक को प्राप्त कर गए। इसलिए सबसे मीठी दवा है भगवान की ये कथा है। जो भगवान की कथा सुनेगा, बोले भैया आप कह रहे हो दवा, जैसे आप देखो एलोपैथिक मेडिसिन कितना कड़ू है, कड़ू दवा है ना, है बड़ी कड़ू हुई है, झट पानी पी कर अंदर में सटका देते हैं। बोले कृष्ण कथा क्या ऐसे कड़ू ही? बोले नहीं, बोले स्रोत मन विरामा, ये मन और कान को ये बड़े आनंद देने वाले। तभी तो आप लोग घर छोड़ करके यहाँ पर दो दो तीन घंटा तभी तो बैठते हैं ना, क्यों? कृष्ण कथा में बैठे इसलिए तभी तो हम कृष्ण कथा और भगवान की कथा तभी तो हम श्रवण कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कथा को वर्णन करते हैं। बोले जिस समय श्री श्री वसुदेव श्री कंस ने क्या किया, अपना बहन देवकी को उन्होंने वसुदेव से शादी कराया, उन्होंने बहुत कुछ उन्होंने दहेज रूप में दिया। जब उनका रथ में विदाई कर रहा था, सारथी बन करके बीच रास्ता में आकाशवाणी हुई, बोले रे मुड़ा कंस, जिस देवकी को तुम इतने आनंद पूर्वक विदाई कर रहे हो, उसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। इतने में श्री
कंस ने देखा न रहेगा बांस न बजगी बांसुरी, उसने म्यान से तलवार को निकाले। जब उन्हें देवकी को मारने जा रहा था, इतने में वसुदेव महाराज साम दाम दंड भेद नित्य समझाने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो कहां सुनने वाले राक्षस है, वो कहां सुनने वाले। बोले देख शादी का समय, बहन को हत्या करोगे दुनिया तुम्हारी बदनामी करेगा, ऐसे जीवन कोई जीवन है। बोले आकाशवाणी नहीं सुनी। बोले मैंने भी सुना है। बोले बताओ तुम एक दिन मरोगे कि नहीं। बोले हाँ मरूंगा। बोले जब तुम मरोगे फिर अपने बहनी को क्यों मार कर मरोगे हैं? बोले कौन मरता। बोले ये शरीर तो शरीर एक कपड़ा है, ये आत्मा तो शाश्वत न जायते न मृयते अजो नित्य शाश्वत कौन है, यदि ये श्री आत्मा है। कौन मरता है? ये शरीर मरता है, ये आत्मा नहीं मरती है, इसलिए तुम फिर बहन को क्यों मारोगे। इतने में तभी नहीं सुने। बोले देख तेरे को पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मेरे जितने सारे बच्चे होंगे सारे बच्चे मैं तेरे को दे दूंगा। अभी कंस मान गया, लेकिन जो पहला बेटा हुआ कीर्तिमान, जब उन्होंने कंस को दिया कंस तो खुश हो गया। बोले तेरे सत्यवादी में मैं संतुष्ट हूँ, ये बच्चे को तू ले जा, इसलिए अष्टम गर्भ की संतान से मेरे मतलब है। नारद जी ने देखा गड़बड़ी हो रहा है, क्यों? कब ठाकुर जी आएंगे जब पाप की घड़ा भरेगा। अगर इसकी हृदय में मेरी माँ के प्रति अगर दया की भावना आए तो फिर इसको मारूंगा कैसे। इतने में श्री नारद जी बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बजाते बजाते आए और एक कमल फूल रहे थे जिसमें आठ पंखुड़ियां थी। बोले कंस बताओ इसमें पहला कौन और आठवां कौन। बोले गिनो। बोले एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। बोले उल्टा से गिनो। बोले एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। बोले समझ में आया कि नहीं। बोले गुरुजी, गुरुजी के बगैर थोड़ी ज्ञान होता है, आप बताओ इसका मतलब क्या। बोले इतना समझ में नहीं आ रहे। अरे देवताओं को समझना बड़ा कठिन है, तुम तो इधर से गिन रहे हो एक दो तीन चार, अगर उल्टा से गिनोगे तो क्या होगा, जिसको एक कर रहे हो ना वो हो जाएगा आठ, और जिसको आठ कर रहे हो जाएगा एक। जब ये एक एक भाई जो बड़े बनेंगे तब फिर सबके सब मिल करके ना सबके सब तुमको मिल करके मारेंगे। बोले गुरुजी फिर मैं सबको मार डालूं। बोले भैया मैं क्यों बताऊं, मेरे तरफ में देखो इधर, इसलिए तू जानते हो तेरे काम जानता है, हैं तू जानते। इतने में उन्होंने बहका करके ना नारद जी वहां से भाग गई, और कंस तो एक एक करके छह बच्चों को उन्होंने मार डाले। हाँ देखो यहाँ प्रश्न होता है, भैया नारद तो इतने बड़े भक्त हैं, फिर बच्चों को क्यों मरवाए। बोले मरवाया नहीं, उनको मुक्ति दिला दिया, क्योंकि इनकी पूर्व जन्म की कथा ये जानते थे। ये पूर्व जन्म में ब्रह्मा की मानस पुत्र मरीच थे। एक दिन ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर उन्होंने के बेटी को उन्होंने जन्म दिए। वो बेटी देखने में इतनी सुंदर थी, ब्रह्मा स्वयं अपना बेटी में आसक्त हो गए, आसक्त होकर पीछे भागे। फिर वो बेटी हिरणी बन गई, फिर ब्रह्मा हिरण बन करके पीछे भागे थे। ये लोग हंसी उड़ाए, देखो ये बूढ़े को देखो अपना बेटी को पीछे भाग रहा है। इतने में ब्रह्मा उनको अभिशाप दिया था। बोले मेरे को देखकर हंसी उड़ा रहे हो, मैं अभिशाप देता हूं तुम लोग तीन जन्म तक अपना पिताजी के हाथ में मर के तुमको मुक्ति मिलेगी। पहले ये था है काल नेमी, पहले जन्म में ये मर चुके हैं दो बार, अभी लास्ट में वही काल नेमी ही कंस बन करके आया, इनके हाथ में मरेगा तो जल्दी इनकी मुक्ति मिलेगी। और ये एक अर्थ। दूसरा अर्थ है अगर कोई भगवत प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे क्लास वन टू थ्री फोर फाइव, उसी तरह भक्ति का भी आठ स्टेजेस है, आठ सीढ़ियां हैं। कहते हैं आठ सीढ़ियां में उन्होंने जो पहले छह बच्चे को मारे, ये छह बच्चे कौन है, बोले काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य। पहले ये छह बच्चों को मारो, मतलब इसको नष्ट करो।
बोले सप्तम गर्भ में कौन आए, बोले धाम स्वरूप संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता जो संपूर्ण पृथ्वी को जो धारण करके रखे, श्री अनंत देव अपना सर के ऊपर में, इनका जो मूल श्री बलदेव प्रभु है। बोले श्री दाऊ भैया की, कहते श्री बलदेव प्रभु ये आधार शक्ति है जो भगवान को धारण करने वाले श्री बलदेव प्रभु आए, इसलिए इनका नाम बलदेव। देव मतलब होता है अधिष्ठात्री देवता। किस चीज के अधिष्ठात्री देवता? बोले बल की, शक्ति की। इसलिए अष्टम गर्भ में श्री कृष्ण आए। बोले ये एक तात्पर्य है। देखो दूसरा तात्पर्य समझो, कृष्ण क्यों अष्टम गर्भ में आए? बोले पहला जो भक्ति का सोपान है श्रद्धा। जैसे आप सभी को अंदर में श्रद्धा है तभी आप लोग यहाँ पर बैठे, अगर श्रद्धा नहीं होते तो आप थोड़ी बैठते यहाँ पर। श्रद्धा पहला स्टेज है। बोले दूसरा स्टेज में साधु संग, श्रद्धा है यहाँ पर बैठे, फिर यहाँ भागवत कथा सुन रहे हो, संतों की संग कर रहे हो, ज्ञान की प्राप्त हो रही है। बोले जो तीसरा जो स्टेज है, बोले भजन क्रिया। बोले भजन क्रिया मतलब क्या? जब कथा सुनोगे, कहते ना बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ नाश होई। जब हम ये सत्संग सुनेंगे तब हमारे हृदय में ज्ञान होगा। किस ज्ञान की उदय होगा, किस ज्ञान हमें प्राप्त होगा? तब प्राप्त होगा हम कौन है, कहाँ से आए, फिर जाना कहाँ है, फिर जिसको हम अपना कह रहे हैं, फिर ये है कौन? अगर ये हमारी होते तो फिर हम इनको छोड़ना क्यों पड़ता है? उसी समय जीव को दिव्य ज्ञान होगा। क्या दिव्य ज्ञान होगा? उनको ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, ये ज्ञान होगा। जितने जगत में जीव है सबके सब ईश्वर का अंश है। हम अमृत पुत्रा, हम भगवान की संतान है। केवल भगवान को भूलने का वजह से ही ये माया के संसार में आकर के कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई भाई से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई ननंद से दुखी, दुखी दुखी होकर के संसार में भटक रहे। ये संसार रहने का नहीं है, इसलिए कहते ना ये संसार नहीं है रहने का, यहाँ दुखी दुखी सहने का। इसलिए दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये संसार रहने का स्थान नहीं है। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे जैसे किसी पायखाना में जाते हो, नहीं तो बाथरूम में जाते हो, क्या दिन भर रहते हो उसमें? जल्दी जल्दी अपना शौचीय क्रिया करके स्नान करके जल्दी जल्दी निकल जाते हो। ये संसार ठीक है, सही है, जितना जल्दी पारो भजन करो और ये संसार से चल पड़ो। ये संसार हमारी, हम रिफ्यूज हो करके दो दिन के लिए संसार में आए, ये हमारी घर नहीं। हमारी घर तो ठाकुर जी के चरण में, हम उनकी संतान है। जब ये तत्व ज्ञान हमें मिलता है, जो चतुष्ट स्टेज है भजन क्रिया, फिर जीव क्या करता है, कहते बिनु हरि भजन न भवत हरि, ये सिद्धांत अपे। जब तक ये जीव प्रभु की भजन नहीं करेगा कभी भी ये संसार से पार हो ही नहीं सकता, जीव को शांति मिल ही नहीं सकती है। फिर उसको ये दिव्य ज्ञान की प्राप्त होता है, फिर ये जीव भगवान की भजन करना शुरू कर देते हैं। जब प्रभु की भक्ति शुरू करते हैं, जो पंचमा स्टेज है, बोले रुचि। रुचि मतलब होता है बढ़िया, अच्छा लगना, अच्छी लगना। जैसे कोई बढ़िया सब्जी बने, कितना भाई और दो, बहुत बढ़िया है, बड़ा टेस्ट, और थोड़ा दो, इसको रुचि। लेकिन रुचि कब आएगा? आप देखना टीवी को सामने बैठो तीन तीन घंटा तो बैठ जाएगी, स्मार्टफोन देखो घंटा घंटा बीत जाएगी। लेकिन अगर किसको बोलो थोड़ी सी माला लेकर के हरिनाम करो, नहीं, मन नहीं लगता। पांच मिनट बैठ के छटपट छटपट कब खत्म हो, माला खत्म नहीं हो, रोटी ठंडा होती जा रही। भगवान की भजन में रुचि नहीं लग रही, भगवान की भक्ति में रुचि नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही भगवान के भजन में, है उल्टा पुल्टा चीज में हमारी रुचि है। हाँ, उदाहरण दिया है जैसे मिश्री मीठा है, मिश्री मीठा है कि नहीं? लेकिन ये मिश्री किसी किसी को कड़वा भी लगता है, बता सकते हो ये मिश्री कड़वा किसको लगती है? कौन बोलेगा मिश्री कड़वी किसको लगती है? जिसको जंडिस का बीमारी हो जाए ना, जिसको पीलिया की बीमारी हो जाए, देखना मिश्री उसको मीठा नहीं लगेगी, कड़वी लगेगी। किंतु मिश्री मीठा है, कहते भगवान की भक्ति, भगवान का नाम मीठे से भी मीठा है, लेकिन हमें क्यों मीठा नहीं लग रहा है, कड़वी क्यों लगता है? कारण है, हमें सबके सब भव रोग की बीमारी है,
सारे पाप भरा हुआ हमारे हृदय में, सारे अनर्थ भरा हुआ हृदय में, इसलिए मुंह से भगवान की नाम हमारी नहीं निकलती। फिर क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर कहते देखो पहले मिश्री को चूसो, कड़वी तो लगेगी लेकिन मिश्री चूसो, लेकिन चूसते चूसते धीरे 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 जब ये बीमारी सही हो जाएगी ना, कड़वी सही हो जाएगी, फिर मिश्री अपने आप मीठा लगने लग जाएगी। जब मिश्री मीठा लगने लग जाए समझना तुम्हारी बीमारी खत्म हो गया, तुम्हारी बीमारी खत्म हो गया है। उसी तरह भगवान का नाम तो मीठा है लेकिन हमें अभी मीठा नहीं लगता है, अभी कड़वा लगता है। फिर क्या करो, भले इच्छा नहीं रहने पर भी क्या करो, माला लो। कुछ लोग तो माला ले गए, कुछ दिन तक किया, कुछ दिन बाद फिर माला जहां तक लटका कर रख दी, माला को जहां तक लटका कर रख दिए। गुरु जी कहते भैया कभी माला को भूखे नहीं रखनी चाहिए, खुद भूखे रह जाओ। अगर एक दिन माला नहीं जप किया ना, ये माला रूप में स्वयं ठाकुर जी आए। अगर एक दिन माला जप नहीं किया तो ठाकुर जी स्नान नहीं किए, ठाकुर जी भोजन नहीं किए, ठाकुर जी पूरे भूखे ही भूखे ठाकुर जी रह गए। इसलिए खुद भूखा रहो, ठाकुर जी को भूखा नहीं रखनी चाहिए। माला रोज नियमित पूर्वक जप करनी चाहिए। इसलिए इसको कहते रुचि। हनुमान जी क्या करते हैं, दिन भर रघुपति राघव राजा राम अतीत पावन सीताराम, दिन भर प्रभु का नाम जप करते हैं, हैं? इसलिए कहते रुचि। उसको बाद में निष्ठा, बोले निष्ठा मतलब क्या होता है, बोले भक्ति में फिर इतने परिपक्व हो जाएंगे, इतने दृढ़ हो जाएगा भक्ति में, फिर तो सारा दुनिया छूट जाएगी लेकिन प्रभु का भजन नहीं छूटेगा। जैसे मीरा है, इसको ऊपर में कितने जीवन में विपत्ति आई लेकिन उन्होंने प्रभु का भजन किया छोड़ा, प्रभु का भजन को उन्होंने नहीं छोड़ा है। इसलिए भले ही जितना विपत्ति आई प्रभु का भजन हमें नहीं छोड़नी, इसको निष्ठा। उसको बाद में कहते भाव। कहते भाव मतलब क्या होता है, जब हृदय में इसे पक्की दृढ़ विश्वास हो जाएगी, कभी कभी भगवान की मिट्टी मिट्टी बंसुरी की आवाज सुनने को मिलेगी, कभी कभी ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी हमें आकर के स्पर्श कर रहे हैं, कभी कभी ऐसे लगेगा ठाकुर जी हमें अधरामृत पिला रहे हैं, कभी कभी ठाकुर जी नुपुर की आवाज सुनने को मिलेगी। कहते ये भाव। और जो प्रेमावस्था में जो अष्टम स्टेज है, फिर तो ठाकुर जी स्वयं हृदय में ठाकुर जी के दर्शन मिलेगा, ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले जय जय श्री राधे। अभी भगवान कृष्ण जन्म ग्रहण करने वाले, भगवान जब जन्म ग्रहण करने के लिए जब आ रहे कितने में, एक दिन देवकी ने है श्री कंस ने देखा पूरा उजाला उजाला हो रहा है, समझ गए मेरे काल जन्म लेने वाले। वो सोच रहा था मार डालू लेकिन हिम्मत नहीं हुआ, लेकिन दिन रात अभी कृष्ण 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 कृष्ण, दिन रात अभी कृष्ण कृष्ण सोच रहा है। इतने में स्वर्ग के जितने देवता लोग आकर के भगवान की गर्भ स्तुति कर रहे हैं, बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सजोनी सत्य 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 अमृत सत्य नेत्रे सत्यात्मक शरणम प्रपद्ये। समस्त देवता एकत्रित होकर के भगवान को सत्य सत्य रूप में भगवान बोले हे प्रभु आपका व्रत सत्य है, आपने कहा था आएंगे, सचमुच से आप लोग आ रहे हो। भगवान का व्रत क्या है, बोले भगवान की व्रत है सक्रियत एव प्रपन्ना जस्तवाम स्मृतत जाचते। एक बार अगर कोई बोल दे ठाकुर मैं तेरा तो मेरे हो ठाकुर जी, कहते अभयम सर्वदा तस्मै, उसको मैं अभय प्रदान करता हूँ। बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति की, बोले प्रभु जो तुम्हारे चरण को आश्रय ग्रहण करते हैं वो माया से आसानी से दूर हो जाते हैं, हैं? लेकिन तेरी भक्ति छोड़ करके जो ज्ञान मार्ग को अपनाते हैं, जो भगवान को निराकार मानते हैं, बोले कठोर साधन करते हुए बड़े ऊर्ध्व गति को प्राप्त करने पर भी तो पतन्ति अधः, उनका पतन होता है लेकिन तेरे भक्तों का कभी पतन नहीं होता है। बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति की। अभी ठाकुर जन्म लेने वाले देखो, साधारण अगर यहाँ कोई मोदी आ जाए देखना उसके लिए कितने स्वागत होता है, कोई अगर मुख्यमंत्री योगी आ जाए उसके लिए कितने स्वागत होता है, लेकिन विश्व ब्रह्मांड का मालिक आ रहे तो उसके लिए कितने स्वागत नहीं होनी चाहिए। कहते ये वृंदावन धाम
संपूर्ण रूप में दुल्हन जैसे सज गए। क्यों? मेरे प्रभु जी आ रहे हैं, इसलिए बड़े सुंदर रूप में। और यमुना नदी तो कलकल कलकल नाद से बह रही है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले यमुना पटरानी क्यों खुश हो रही थी? बोले कारण है, बोले मेरे से प्रियतम आ रहे हैं, मेरे को अपना पटरानी बनाएंगे, मेरे को विशाखा ही है, यमुना है, इसलिए यमुना काली काली कृष्ण रंग में ये काली बनी हुई है, इसलिए यमुना बड़ी प्रसन्न हो रही थी। जो दूसरे दूसरे नदी भी खुश हो रही थी। बोले क्यों खुश हो रही थी? बोले सबसे बड़ी जो बेटी बहन है ना ये यमुना, और जितने नदियां सब छोटी बहन, जब उनमें बड़ी बहनी से शादी होगी, छोटी बहनी क्या लगेगी? उसकी साली है। आप देखना कभी कभी दामाद पत्नी से भी साली को ज्यादा कभी कभी प्रेम करते हैं। इसलिए कहते हैं हमें भी ठाकुर जी प्रेम करेंगे। कहते कृष्ण जब आए वो अष्टमी का रात और भादो की महीना, अष्टमी की रात में उन्होंने आए, अष्टमी का चंद्रमा होता है आधा, लेकिन आज चंद्रमा पूर्ण चंद्र रूप में प्रकट हो गए। बोले कारण किया? बोले ठाकुर जी आज मेरे वंश में आ रहे हैं, इसलिए भगवान चंद्रवंशी भगवान। इसलिए जब भगवान चंद्रमा ऊपर में और मेघ नीचे, अभी चंद्रमा और मेघ में तो लड़ाई होना शुरू हो गई। इतने में चंद्रमा बोले मेघ मेरे सामने से हट जा। बोले क्यों? बोले तेरे को पता नहीं ठाकुर जी आज मेरे वंश में आ रहे हैं। मेघ बोले तेरे को पता नहीं ठाकुर जी किसका कलर लेकर के आ रहे हैं? ठाकुर जी मेरे रंग को लेकर के, मेरे रंग को लेकर के आ रहे हैं। बोले रंग तो तेरे लेकिन वंश तो मेरे ना, इसलिए मेरे सामने से हट जा। इतने में बोले भैया लड़ाई करके कोई लाभ नहीं, भैया तू भी हट जा, चंद्रमा को भी आनंद लेने दे और तू भी आनंद ले। भगवान जब जन्म हुए कमल फूल खिलता है दिन में, ये सूर्य किरण है, लेकिन आज कमल फूल खिल गया रात में। बोले रात में क्यों खिल गया? इसका बहुत सारे कारण बताते हैं। बोले संत लोग जब भगवान की स्वरूप को वर्णना करेंगे, बोले नमो पंकजनाभाय, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्री। भगवान के शरीर में आठ कमल है, नेत्र कमल, मुख कमल, हस्त कमल, चरण कमल, नाभि कमल, ये अष्ट कमल भगवान के शरीर में। इसलिए भगवान अभी कमल सोच रहे हैं मेरे वंश में ठाकुर जी आने वाले, इसलिए दिन में खिलना चाहिए लेकिन खिल गया रात में। और विशेष करके आप देखना आकाश में जो मेघ छा जाए वो चार ही व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। बोले कौन कौन? पहला व्यक्ति किसान खुश होता है। क्यों? उसने खेती बया है, बारिश नहीं होगा तो सबके सब क्या दुर्भिक्ष आ जाएंगे हैं। इसलिए कहते भैया किसान कौन है? बोले पितामह ब्रह्मा, इन्होंने सृष्टि इन्होंने की है, लेकिन राक्षस लोग आकर के संतों के ऊपर में बड़े अत्याचार कर रहे थे, इतने में और बड़े उत्पात मचा रहे थे। ब्रह्मा जी यहाँ पर किसान कौन? बोले पितामह ब्रह्मा, सृष्टि करने वाले। लेकिन जब ब्रह्मा जी देखा काले मेघ को देखा, मतलब भगवान कृष्ण आने वाले हैं, ब्रह्मा भी संतुष्ट हो गए। क्यों? बोले परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान आकर के सारे दुष्टों को विनाश करेंगे और संत को उन्होंने रक्षा करेंगे। और दूसरा व्यक्ति कौन प्रसन्न होता? बोले चातक। बोले एक चिड़िया है, ये किसी नदी का पानी और किसी तालाब का पानी नहीं पीता है, वो केवल स्वाधी नक्षत्र का पानी पीता है, आकाश में जो बारिश ही हो, इसलिए हर समय वो बोलता है प्यास आम प्यास आम। कहते ये चातक कौन है? बोले ये नारद आदि भक्त वृंद है। लेकिन जब देखा आकाश में काला मेघ छा गया, नारद आदि भक्त वृंद भी संतुष्ट हो गए, ठाकुर जी जन्म ग्रहण करेंगे, अभी दर्शन मिलेगा। बोले तीसरा व्यक्ति प्रसन्न होता है। बोले कौन? बोले दाबा नल में दग्ध हाथी। जब किसी जंगल में आग लग जाए, देखना वो हाथी को बड़ा कष्ट होता है, इधर उधर भागता है, वहां तो कोई फायर ब्रिगेड काम करेगा नहीं, लेकिन कब आग बुझेगी? अगर बड़ी जोर से बारिश ही होना फिर तक जंगल का अग्नि तभी बुझेगी। कहते हैं यहाँ पर दाबानल में दग्ध हाथी कौन है? बोले ये इंद्र चंद्र वायु वरुण जितने देवता, बड़े बड़े दैत्य जाकर सूर्य देवता लोगों को सभी भगा रहे थे, इसलिए देवता भी दुखी हो रहे थे। लेकिन जब भगवान कृष्ण देखे आने वाले, देवता लोग भी प्रसन्न हो गए। बोले चौथा व्यक्ति प्रसन्न होता है। बोले कौन? बोले मोर। ये मोर कब नृत्य करता है? जब आकाश में काला मेघ छा जाए ना, गड़गड़ गड़गड़ शब्द होने लग जाए, हैं? उसी समय में
ये जो मोर पंख फैला करके नृत्य करता है, कहते ये मोर कौन है? बोले श्री नीलकंठ श्री भोले बाबा। कल हम सुनेंगे भोले बाबा जब कृष्ण जन्म हुए, शंकर कैसे अलग निरंजन करते हुए भोले बाबा भी ठाकुर का दर्शन करने आते हैं। सारा दुनिया में जय जयकार हो रहा था भगवान जन्म ग्रहण करने वाले, ठीक रात बीच में भगवान देवकी वसुदेव के कारागार में ठाकुर जी चतुर्भुज रूप लेकर के ठाकुर जी प्रकट हुए। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। पीछे लोग तो जय की है कुछ भी नहीं बोल रहे, जोर से बोलो, इतने भक्त लोग बैठे हो, भगवान का नाम जितने जोर से गुंजेगा ना सारे पाप खत्म हो जाएगी, जोर से बोलो। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की। अभी भगवान जब चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, इतने में देवकी वसुदेव बोले प्रभु आपको तो हम पुत्र रूप में प्रार्थना किया था, लेकिन आप तो ये चतुर्भुज रूप लेकर के घुंघराले केश चमकीले वस्त्र अस्त्र शस्त्र को लेकर के आप आए हो। बोले इसलिए मैंने अस्त्र शस्त्र लेकर के आया, अभी तक कंस ने मेरे छह छह भाइयों को मार दिया, अगर कंस आएगा ना पहले से रेडी होकर के आया, वो छोड़ूंगा नहीं मामा को, इसलिए पहले से मैं सर धज करके पहले से मैं प्रस्तुत होकर के आया हूँ। इतने में बच्चे वहां पर बैठे, बच्चों उसको वहीं पर बैठा, वहीं पर इसलिए मैं सर धज करके मैं आया हूँ, इसलिए कोई चिंता करो माता जी। बोले देखो तुम लोग दोनों पूर्व जन्म में प्रिश्नी और सुतपा थे, लेकिन तुम लोगों ने ये सारे राज्य सुख को परित्याग करते हुए केवल पेड़ से जो सूखे पत्ते गिर जाते थे उसको खा खा कर 10,000 साल तपस्या की। मैंने जब दर्शन दी बोले वर्मा को, बोले आप जैसे हमें एक बेटा चाहिए। मैंने कहा भैया मैं तो असमर्थ तत्व, जिसको वेद कहता है न तत् समस्याभ्य अधिकस्य दृश्यते, उनकी उनसे बड़े की बात छोड़ दो, दुनिया में उनको बराबर भी कोई नहीं, इसलिए मैंने ये वरदान दिया था, इसको सत्य करने के लिए प्रकट हुआ। देखो अभी मैं एक छोटा बालक बन जाऊंगा, तो हमको तुम ले जाना, ले करके गोकुल में एक बेटी जन्म हुई, मेरे को रख करके ना वो बेटी को ले आना। बोले प्रभु ये हथकड़ी बड़ी पड़ा हुआ है, बड़े बड़े यहाँ पहरादार, इतने बड़े बड़े ताला दरवाजा, फिर कैसे जाएंगे? बोले कोई चिंता मत करो, केवल मेरे को अपना सर पर रख लो, ये सबके सब हथकड़ी बड़ी खुल जाएगी, दरवाजा खुल जाएगा, पहरेदार सो जाएंगे। देखो देखो ठाकुर जी एक बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, ये शिक्षा को यहाँ से लेकर के जाओ। हम कहते ना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है, लेकिन कब ठाकुर की कृपा से काम होगा? घर में कोई भी काम हो भगवान को आगे रख कर करो, जैसे वसुदेव महाराज ठाकुर को सर पर ले लिया, मतलब सामने रख लिया तो क्या होगा, दरवाजा खुल गया, पहरादार सो गए, हथकड़ी बड़ी खोल गई, इसका मतलब घर में कुछ भी हो सबसे पहले ठाकुर जी को आगे रखो, जैसे बच्चे का बर्थडे है। लेकिन हम क्या करते ना, सारे यार दोस्तों को दुनिया को बुलाएंगे, उनके लिए पता नहीं कितने बोतल तोड़वाएंगे, कितने जानवर को मुर्गा को मरवा देंगे हैं। इसलिए देखो ये एक बहुत बड़े संत कह रहे थे, आप बुरा मत मानो, कहते थे जिस बच्चे के उद्देश्य में तुमने इतने बोतल तोड़वा रहे हो, इतने जानवर को मरवा करके खिला रहे हो, वो पाप को कौन लेगा? वो संत कह रहे थे बच्चा का अगर 100 साल को हो ना, उसी दिन बच्चा 50 साल में उतर करके आ जाएगा, क्योंकि जिसकी उद्देश्य में तुम इतने पाप कर्म करवा रहे हो। ये संत कह रहे थे, कहते नहीं, घर में कोई भी काम हो भगवान का कीर्तन करो, हरि का नाम लो, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हरि ठाकुर का नाम है। जिस बच्चे के उद्देश्य में अगर ठाकुर का कीर्तन करोगे, भगवान के भोग लगाओगे ठाकुर के लिए, अच्छे बच्चे के लिए तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा हम बना देते हैं, ठाकुर जी जिसने दिया है ना घर में एक कपड़ा पहन करके 15 दिन से और 1 महीना से बैठा हुआ, जिसने दिया तुमको, लेकिन तुम खुद कर दिन में 2 बार कपड़ा बदला रहे। अगर बोले ठाकुर के लिए ला, बोले ठाकुर के लिए तो है, बोले बताओ तुम्हारे लिए कितना कपड़ा, अपना अलमारी को देखो, झांगर में कितने साड़ी कितना सजाई वाग रखा, अगर कोई शादी की सालगिरह है ना तभी नया साड़ी चाहिए, कोई तिथि त्योहार में नया साड़ी चाहिए, क्या ठाकुर जी के लिए कोई साड़ी की जरूरत नहीं, केवल तुम्हारे लिए जिसने तुमको सब कुछ दिया है। हाँ शास्त्र में आता है ना, जिस समय द्रौपदी की भगवान कृष्ण की अंगुल कट गया, भगवान प्रज्ञा कर रहे थे,
इतने में द्रौपदी की आंखें ठाकुर को सामने देखते देखते अपना साड़ी को उन्होंने फाड़ दी, फाड़ करके ठाकुर जी को अंगुलों को उन्होंने बैंडेज कर दी। कृष्ण इतने रीझ गए सोच रहे हैं कब मौका मिले द्रौपदी की, मैं कब इसके ऋणी को उतारूं। लेकिन जब भरी सभा में लाज जा रही थी, वहां पर पांच पांच पति भी काम में नहीं आए, कोई गुरुवर का काम नहीं आए, कौन काम आए। जब उन्होंने कन्हैया को हे गोविंद राख शरण आप जीवन हरी, जब दोनों हाथ उठाते हुए ठाकुर को उन्होंने बुलाए, ठाकुर स्वयं वस्त्र बनकर के आ गए। 10,000 हाथी की ताकत खत्म हो गई, लेकिन 10,000 साड़ी खत्म नहीं हुई। इसलिए शास्त्र में कहता है ठाकुर के लिए जो वस्त्र बनाते हो ना, उसमें जो एक एक धागा, ये हमारे पद्म पुराण में हरिभक्त विलास ने बताया, उसमें जो एक एक धागा है ना, कहते जितने धागा उसी वस्त्र में उतने कल्प तक तुमको वैकुंठ वास मिलेगी। जो ठाकुर जी को जो ड्रेस पहनाते इतने महिमा। इसलिए पहले अपना मत देखो, पहले देखो ठाकुर के लिए है कि नहीं। एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे अपना शरीर को सजा बढ़िया से, आप किसी शीशा को सामने खड़े हो जाओ, देखना आप शरीर को जैसे सजाओगे ना, परछाई अपने आप सज जाएगी, अपने आप परछाई सज जाएगी। इसका तात्पर्य क्या है, जिसकी घर में ये चीज को अच्छे तरह से गांठ बांध कर लो, जिस घर में ठाकुर जी को जितनी अच्छी तरह से सेवा पूजा हो रही है, ठाकुर को जितनी बढ़िया से भोग लगा रहे हो, कपड़ा पहना रहे हो, ठाकुर को सेवा कर रहे हो, देखना उसी घर में उतना ही सुख शांति रहेगी। लेकिन घर में करोड़ों रुपया तुम्हारी घर में, लेकिन तुम्हारी घर में ठाकुर को भोग नहीं लग रहा है, ठाकुर को सेवा नहीं हो रहा है, ठाकुर की कपड़ा नहीं बना रहे हो, खुद पहने रहे हो, सजा रहे हो, ठाकुर को नहीं हो रही है। देखो ये चीज समझो, जो पैसा लक्ष्मी है, पैसा कौन है बोलो, पैसा कौन है, लक्ष्मी तुम्हारी ना लक्ष्मी कृष्ण की है, लक्ष्मी नारायण का ना लक्ष्मी तुम्हारी है, बताओ, लक्ष्मी नारायण की। तभी ये लक्ष्मी घर में सुख शांति देगी जब वो लक्ष्मी नारायण की सेवा में अगर लगता हुआ हो। अगर संतों का वाणी है, अगर ठाकुर घर में भोग नहीं लगता है, ठाकुर को सेवा पूजा नहीं हो रही है, करोड़ रुपया भी तुम्हारी घर में आए, वो लक्ष्मी घर में कभी भी सुख शांति नहीं देगी। वो भाई भाई में लड़ाई लगा देगी, बहू बहू में कचहरी कोर्ट लगा देगी, बड़ी बड़ी बीमारी देकर करोड़ रुपया बह जाएगी, घर में शांति नहीं हो। क्यों? वो घर में लक्ष्मी ठाकुर को सेवा में नहीं लग रही, वो लक्ष्मी घर में शांति सुख नहीं देगी। इसलिए शास्त्र कहता है अगर सुख में रहना चाहते हो, पहले अपना को मत देखो, देखो पहले ठाकुर के लिए कुछ किया है कि नहीं, भगवान के लिए कुछ है कि नहीं। जितने ठाकुर तुम्हारे घर में खुश रहेंगे, उतना ही तुम घर में सुख शांति में उतना ही घर में रह सकते हो। इसलिए यहाँ पर श्री जब भगवान को सर पर रखे, अपनी यार दरवाजा खुल गई, हथकड़ी बड़ी खुल गई, अभी वसुदेव महाराज जा रहे हैं, रिमझिम बारिश हो रही है, भगवान अनंत देव रूप में भगवान को रक्षा कर रहे हैं, यमुना नदी आई तो लपालप पानी भरा हुआ, बल पार कैसे होंगे। जब अंदर में गए, यमुना पटरानी सोच रही है मैं भी ठाकुर को थोड़ा आशीर्वाद ले लूं। इतने में ठाकुर जी पैर को नीचे बढ़ाए और यमुना महारानी थोड़ी सी प्रभु का चरण स्पर्श करके नीचे हो गई। जोग माया सियार रूप में आई और धीरे धीरे ठाकुर जी को लेकर के उन्होंने कहां चले गए, गोकुल चले गए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। अभी भगवान कृष्ण आ रहे हैं, भैया ले आओ भगवान कृष्ण को, यदुनंदन प्रभु जी सब ले आओ भगवान कृष्ण को। देखो अभी ठाकुर जी आ रहे हैं, अब लोग कोई खड़े नहीं रहे ना, आप भगवान की स्वागत कर ठाकुर जी को, हैं सबके सब ठाकुर जी स्वागत कर। कल राधा रानी जन्म लगी, कल से राधा रानी का जन्म है। अब मैंने बताया ना कौन सा रंग के साड़ी पहन कर क्या होगी, अरे जोर से बोला, गुलाबी रंग के, क्यों कल लक्ष्मी मूल लक्ष्मी श्री राधा रानी है। पिछले बढ़िया सज करके आना, श्री राधा रानी की जन्मोत्सव मनाएंगे। अभी आज भी आपको बढ़िया प्रसाद मिलेगा। ऋतु भैया आज कौन सा प्रसाद है, हाँ आज सबके लिए कढ़ी चावल, कल क्या मिलेगा, खीर और हाँ अभी 3 दिन ही आपके लिए प्रसाद सबके लिए व्यवस्था होगी। इसलिए कल सबके सब आना, और जो परसों है ना, परसों है अन्नकूट,
अन्नकूट का बड़ा महत्व है। भगवान खुद कहते गिरिराज, अन्नकूट में एक दाना अगर कोई गिरिराज की सेवा में लगाएगा, स्वयं गिरिराज बताए, घर में कभी भी अन्न वस्त्र की अभाव नहीं होगी, घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी। इसलिए परसों गिरिराज अन्नकूट है, मैं कल ये बात बता दूंगा। हाँ प्रभु जी, बधाई 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 बध
जाने किसी ऋषि की बोली ने साधना